हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अन अकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स पर। आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, पूरा टॉपिक कवर करेंगे आज के अंदर, ढाई घंटे की क्लास है। सभी लोग फटाफट जुड़ते जाइए। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो टोटल ढाई घंटे की क्लास है, मैराथन क्लास है। हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, सभी लोग फटाफट जुड़ते जाइए। जैसा आप सभी को पता है, ये पूरी टीम आपको इस चैनल पे पढ़ा रही है। सब देखिए, यहाँ पे पूरी टीम आपके सामने है। ठीक है, टॉपिक क्या बताइए आज का? टाइम एंड वर्क, जो हम लोग कवर करने वाले हैं, कार्य और समय। ठीक है, ये हम लोग का टेलीग्राम लिंक है जिससे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, अनअकैडमी वेबसाइट है जिसपे जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, गेट सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं यहाँ से आप। जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, सबसे पहला काम कीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा आपको गेट सब्सक्रिप्शन का, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वहाँ से। अपकमिंग कोर्स है, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको यहाँ से दिखाई पड़ जाएगा। अनअकैडमी बच्चों काम करता है सब्सक्रिप्शन मॉडल पर, मतलब आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो आपको बार बार पेमेंट करना नहीं है हर बैच के लिए। ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम्स आते जाएंगे सबके लिए हर महीने नए बैच आते रहते हैं। आप सभी बैचेज में पढ़ सकते हैं और सभी टॉप फैकल्टी से इंडिया के पढ़ सकते हैं इसी चैनल पर। एक बार सब्सक्रिप्शन लेके आप सभी से पढ़ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का अवेलेबल है। ठीक है, बच्चों को हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप इन सब्सक्रिप्शन को ना लें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वो 1 साल का लें, जो कॉलेज वगैरह में है वो 2 साल के लें। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं वो चाहें, देखिए 1 साल की जो फीस है वो कितनी है, 5400 आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? अगर आप इस कोड को यूज करेंगे, दैट इज आर ए एन लाइव, इस कोड को यूज करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के बाद 1 साल की फीस 5400 है, उसमें अगर आप 1 महीने की फीस और दे देंगे तो आपकी वैलिडिटी डायरेक्ट डबल हो जाएगी, आपको 2 साल की सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। तो बेटर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें और आराम से तैयारी करें। ठीक है, बाकी बच्चों आप सबको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, एसएससी सीजीएल 2020 के लिए 150 डे फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी प्लस पर। ठीक है, सारे की फीचर्स हैं, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने कोड आपको बता दिया, अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो इस कोड को आप ध्यान रखिएगा। मेरा नाम है रणधीर, तो आर एन वहाँ से हो गया है, देन लाइव, आर एन लाइव, याद करना भी आसान है। ध्यान रखिए, ये पूरी टीम है जो आपको इस कोर्स पर पढ़ा रही है। बच्चों इन सभी से आप परिचित हैं। ठीक है, तो क्या स्टार्ट किया जाए? अगर सब लोग तैयार हैं तो फटाफट कमेंट कर दें, शुड वी स्टार्ट नाउ? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबूलाल, श्रीकांत, पुनीत, साहिल, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं टाइम एंड वर्क को। टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क। पहले कुछ बेसिक बातें कर लेता हूं। ठीक है, टाइम एंड वर्क, जैसे मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन ये है कि ए जो है वो किसी काम को करता है, मान लो 20 दिन में। ठीक है, ए करता है कितने, बताओ, 20 दिन में। और बी जो करता है उस काम को वो करता है 30 दिन में। ध्यान रखना, ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, बताओ सभी लोग फटाक से। बहुत ही छोटा क्वेश्चन पहले पूछ रहा हूं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पूरी मैराथन क्लास है ढाई घंटे की। ठीक है, हर टाइप क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। बताओ सभी लोग फटाफट, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो, देखो मैं आपको समझा देता हूं कुछ बातें। सबसे पहले बात आएगी अप्रोच वन। ठीक है, ये बात समझा दो तो आपको लगाना आसान रहेगा। अप्रोच वन, अप्रोच वन क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं एलसीएम मेथड, जो आप लोग बार बार यूज करते हो। ठीक है, ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो आप क्या करते हो, इनका ले लेते हो एलसीएम, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो इनसे कट जाए। कितना मान लिया आपने, 60। इसको 60 को हम लोग क्या मान लेते हैं, वर्क मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या था बताओ, डे। अगर तुम वर्क को डे से डिवाइड कर दोगे तो इसको क्या कहते हैं, एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, तो 60 को 20 से भाग दे दो 3 आ जाएगा, और 30 से भाग कर दो 2 आ जाएगा।
बताओ ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, अब जोड़ लो तीन और दो कितना आएगा पांच, ठीक है। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा टाइम एंड वर्क में, जब भी आपको टाइम निकालना हो तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। पहले कुछ बेसिक बातें समझा दे रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फटाफट लगाएंगे। टाइम बराबर क्या होता है वर्क अपॉन क्या बताओ एफिशिएंसी, समय बराबर क्या होता है कार्य बटे कार्य करने की क्षमता। बात समझ में आ रही सिंपल सी, ठीक है। तो अब बताओ टोटल वर्क कितना है 60 है, और ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5 है, ठीक है। इसका मतलब काम कितने दिन में हो जाएगा बताओ 12 दिन में हो जाएगा। क्या सबको ये क्लियर है, जल्दी बोलो, अगर ये क्लियर है तो फटाफट कमेंट भी कर दीजिए। ये तो हो गया आपका अप्रोच वन, ठीक है। एक अप्रोच और सिखा देता हूं, ठीक है, जिसका कई बार हम लोग यूज करेंगे। अप्रोच टू क्या है बच्चों, सुनो, ए जो है मान लो किसी काम को टी वन टाइम में करता है, बी उसी काम को मान लो टी टू टाइम में करता है। पूछा गया ए और बी दोनों मिलकर कितने में करेंगे, इसका एक शॉर्टकट भी होता है कि टी वन इंटू टी टू, और डिवाइड में क्या आएगा टी वन प्लस क्या बताओ टी टू, मतलब दोनों टाइम को गुणा कर दो, दोनों टाइम को जोड़ लो, आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। तो चेक करना चाहो चेक कर लो, देखो कितना कितना टाइम है 20 और दूसरा बोलो 30 और डिवाइड बाई यहां से क्या आ जाएगा 20 प्लस क्या बताओ 30, तो 20 गुना 30 कितना हो गया 600 और 20 और 30 कितना 50, इसे कट कर दो कितना आ जाएगा 12 दिन। क्या सबको समझ में आ रहा है, तो अभी इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो आप चाहे इससे किसी भी कर सकते हो, मोस्टली आप लोग अप्रोच वन को ही यूज करने वाले हो सारे क्वेश्चंस में। अगर क्लियर है तो यस सर लिख दो सभी लोग फटाफट, फिर क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। अगर क्लियर है तो फटाफट यस सर लिख दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीपक, एम पटेल, श्रीकांत, सभी लोग फटाफट कमेंट कर दो अगर क्लियर है तो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं छोटा सा, फिर बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन है बहुत ही छोटा सा, ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। पूछा गया है तीनों मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे, लगाओ फटाफट सभी लोग जल्दी करो। ए काम कर सकता है 10 दिन में, बी काम कर सकता है 12 दिन में और सी कर सकता है 15 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। जल्दी करो, लगा दो एलसीएम मेथड जो समझाया गया अभी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आप कहोगे ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में, सी कर सकता है 15 दिन में। सबसे पहला स्टेप वर्क अज्यूम करो, मतलब इनका एलसीएम मान लो कितना मान ले 60, तो ये आपका वर्क हो गया और ये क्या हो गया डे हो गया। अगर वर्क को डे से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा वर्क पर डे, इसी को हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। तो 60 को 10 से भाग दिया 6, 12 से दिया 5, 15 से दिया 4, टोटल जोड़ लो 6 5 11 4 15, तो टाइम कितना लगेगा वर्क डिवाइड बाई एफिशियंसी कितना आंसर आ जाएगा बताओ 4 दिन। क्या सबको क्लियर है, सिंपल सा, बहुत अच्छे, कई लोगों ने सही आंसर किया भी है, ठीक है। चलो तो मूव करते हैं आप क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पढ़ो और लगाओ। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है और फटाफट करते जाना है, लगभग 40-50 क्वेश्चन है टोटल, सभी हम लोग करने वाले हैं, पढ़िए और बताइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ो फटाफट और बताओ। क्वेश्चन है सिंपल सा, ए जो है वो आधे काम को 7 दिन में कर सकता है, बी जो है वो तिहाई काम को 14 दिन में कर सकता है और सी जो है वो 20% काम को 28/5 दिन में कर सकता है। तो पूछा गया है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, पढ़ो सोचो बताओ। हर क्वेश्चन के लिए आपको एक मिनट का टाइम मिलेगा, पढ़िए और बताइए। ए जो है आधा काम 7 दिन में कर सकता है, बी जो है तिहाई काम 14 दिन में कर सकता है और सी जो है वो 20% काम जो है
वो 28 बटे 5 दिन में कर सकता है। पूछा गया तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, कई लोग आंसर कर भी रहे हैं। अच्छा तो ए जो है, अगर आधा काम जो है कितने दिन में कर सकता है बताओ, 7 दिन में। तो अगर आधा काम 7 दिन में कर सकता, पूरा कितने में करेगा, 7 बटे 1 बटे 2 मतलब कितने में करेगा, 14 दिन में। तो ए जो है पूरा काम कितने में कर सकता है, 14 दिन में। बी के बारे में बात करते हैं, बी कितना करता है, तिहाई करता है। तो तिहाई करता है कितने दिन में बताओ, 14 दिन में। अगर तिहाई करता है 14 दिन में, पूरा कितने में करेगा, 14 बटे 1 बटे 3, तो 14 तिया क्या हो जाएगा बताओ, 42 दिन में, ठीक है, आसान है। सी जो है 20%, 20% क्या होता है, 1/5, तो यहां लिख दो 1/5। तो 1/5 कितने में करता है बताओ, 28/5 दिन में। तो पूरा कितने में करेगा, अरे 5/5 कट कर दो, कितने में करेगा, 28 दिन में। तो क्वेश्चन यही वाला बन गया जो आपने पिछला क्वेश्चन लगाया था, ठीक है। ए जो है पूरा काम करता है 14 दिन में, लिख देता हूं एक बार, देखो ए जो है पूरा काम करता है 14 दिन में, बी पूरा काम करता है 42 दिन में, और सी पूरा काम करता है 28 दिन में अकेले अकेले। तो सब मिल कितने में करेंगे, वर्क एज्यूम कर लो कितना आ जाएगा, 84। ये हो गया वर्क और ये हो गया डे। अब डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा, वर्क पर डे आ जाएगा, वर्क पर डे आ जाएगा, या उसे क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। तो 84 को 14 से, तो 6 बार, 42 से कितना हो जाएगा बताओ, 2 बार, 28 कितना हो जाएगा, 3 बार, सही है। तो 6 2 8 3 कितना बताओ, 11, ठीक। तो कितना समय लग जाएगा, 84 डिवाइड बाई 11, 11 7 77, कितना बचा, 7 बाई क्या बताओ, 11 डे। अगर क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। ज्योति हेलो बेटा, समझ में आ गया है तो फटाफट कमेंट कर दो सभी लोग। ए जो है आधा काम 7 दिन में किया था, बी तिहाई काम 14 दिन में किया था, और सी जो है 20% काम 28/5 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पढ़िए और लगाइए, क्वेश्चन हिंदी में बोल दे रहा हूं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, यहां लिख देता हूं, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं, ठीक है। बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 30 दिन में कर देते हैं, बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 30 दिन में कर देते हैं, और सी और ए दोनों मिलकर उस काम को 60 दिन में कर देते हैं, सी और ए दोनों मिलकर उस काम को 60 दिन में कर देते हैं, ठीक। आपसे पूछा गया कि ए अकेला कितने में कर देगा, बी अकेला कितने में कर देगा, सी अकेला कितने में कर देगा, और तीनों मिलकर कितने में कर देंगे, जल्दी कीजिए, एक मिनट का टाइम है। टोटल 2.5 घंटे की क्लास है, पढ़िए सोचिए बताइए। और किसी को अगर सारे टॉपिक पढ़ने हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकता है, नीचे आपका स्क्रॉल बार चल रहा है उसमें देख सकते हैं, कोड आपको दिया गया है RAN लाइव। सब्सक्रिप्शन कहाँ मिलेगा, या तो अनअकैडमी वेबसाइट पे आप जा सकते हो, या अनअकैडमी के ऐप पर, जैसे आप ऐप खोलोगे ऊपर आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, वहाँ क्लिक करके इस कोड को यूज करके, ठीक है, 10% का डिस्काउंट लेके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए चलो अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, देखो इधर फटाफट। सबसे पहला काम क्या करोगे, वर्क एज्यूम करोगे, कितना एज्यूम कर लोगे, 60, ठीक है। चलो 20 से भाग कर दो कितना आएगा, 3, 30 से भाग कर दो, 2, और 60 से भाग कर दो, 1, तो ये क्या हो गया, एफिशिएंसी, ठीक। इन सबको जोड़ो तो सब कुछ 2 2 बार आएगा, तो ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और प्लस क्या बताइए, सी, ठीक है। 3 2 5 और 1 क्या आ गया बताओ, 6, कितना आ गया बताओ यहाँ पर, 6, ठीक है। चलो तो 2 से भाग कर दोनों साइड, तो 3 बराबर क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस क्या बताओ, सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी बताओ, 3 है, कितनी बताओ, 3 है। अच्छा टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 4 क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। पहले में पूछा गया ए जो है उस काम को कितने में करेगा, बी कितने में करेगा, सी कितने में, ए बी सी, चौथा पूछा गया। तो पहले चौथा ही सॉल्व कर दो कि ए बी सी मिलकर कितने में करेंगे, ए बी सी मिलकर कितने में करेंगे, बहुत आसान है। काम बोलो कितना है, 60, और ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 3,
तो एबीसी मिलकर काम कितने दिन में कर देंगे, 20 दिन में कर देंगे, हाँ या ना, 20 दिन में कर देंगे, आसान है। पहला क्वेश्चन, ए कितने दिन में कर देगा, ए कितने दिन में कर देगा। अच्छा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं बी प्लस सी वाली एफिशिएंसी हटा दूं, ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी हटा दूं, तो क्या ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी? बिल्कुल। तो तीन में से दो घटाने पर एक आता है, ठीक है, तो 60 बटे कितना, एक, तो मतलब ए उस काम को कितने दिन में कर देगा, 60 दिन में। भाई अगर ए प्लस बी प्लस सी में से आप बी प्लस सी हटा दो तो ए का मिल जाएगा एफिशिएंसी, 60 आ गया। अब आपको निकालना है बी कितने में करेगा, बी कितने में करेगा, तो बी कैसे निकालोगे, अगर ए प्लस सी हटा दोगे तो बी आ जाएगा, हटा दो यहां से, तो तीन ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए और सी हटा दो तो बी आ जाएगा, तीन में से एक गया दो, तो जाएगा 60 बटे दो, कितने में कर देगा बताओ, 30 दिन में, कितने में कर देगा, 30 दिन में। सी कितने में कर देगा, 60 बटे, सी अगर चाहिए तो ए और बी को हटाना पड़ेगा, ए और बी को, तो तीन में से जब तीन घटाओगे तो क्या बचेगा, जीरो, तो 60/0। अच्छा सी की एफिशिएंसी कैसी है, जीरो है, तो आप कहेंगे कैन नॉट कंप्लीट द वर्क, सी जो है काम को कंप्लीट कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो काम करना जानता ही नहीं, उसकी एफिशिएंसी जीरो है, काम करता ही नहीं है। और जिसकी एफिशिएंसी जीरो होती है उसके बस की नहीं होती है काम को कर पाना, भाई जिसकी कार्य करने की क्षमता ही नहीं है वो कार्य क्या करेगा, ठीक है, क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, अगर क्लियर है तो। सबको क्लियर है तो फटाफट कमेंट करते जाओ भाई, सभी लोग जितने लोग भी एक्टिव हैं कमेंट करते रहिए, ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, पढ़िए फटाफट और लगाने का प्रयास कीजिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं, सब लोग सोचो, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। पूछा गया ए और सी मिलकर कितने दिन में कर देंगे, ए और सी मिलकर कितने दिन में कर देंगे, लगाओ फटाफट सभी लोग। क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, जल्दी बताएं सभी लोग, फटाफट आंसर कीजिए, टोटल 2.5 घंटे की क्लास है, ठीक है, पूरा टाइम एंड वर्क करने वाले हैं हम लोग, इस क्लास को कर लिए तो आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन की। चलिए, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, वर्क को एज्यूम करोगे, कितना वर्क, मान लिया 60, ठीक है, चलो तो 60 को आप 12 से भाग कर दो, 12 से कितना आएगा 5, 15 से कर दो 4 और 10 से कर दो कितना बताओ 6, तो ये क्या आ गया, एफिशिएंसी, क्या आ गया, एफिशिएंसी, ठीक है। चलो, पूछा गया ए और सी मिलकर कितने में करेंगे, तो आप सभी को पता है टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, यही होता है, ठीक है, तो वर्क कितना इन लोगों के जिम्मे, भाई सबके लिए काम तो 60 ही है, तुम्हें ए और सी की एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है, तो एक काम करो, देखो अगर तुम ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी हटा दो, ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी हटा दो, कौन बचेगा, ए, तो 6 में से 4 गया कितना बचा 2, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, क्लियर है। अच्छा आगे देखो, अगर ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी हटा दिया जाए कौन बचेगा, सी, तो 6 में से 5 गया 1, तो सी की एफिशिएंसी 1 आ गई, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 60 बटे 2 और 1 कितना 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 डेज। तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने में करेंगे, 20 दिन में करेंगे, क्या सबको क्लियर है, अगर क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए भाई, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी हटा दो कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी हटा दो सी आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1, तो ये बन गई ए प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी, अगर क्लियर है तो फटाफट कमेंट करते जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। इसके मैं आपके ऑप्शन दे देता हूं,
ठीक है, पहला ऑप्शन है 30 डे, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 20 डे, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका 25 डे और लास्ट ऑप्शन है 40 डे। इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। क्वेश्चन यह है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ऐसा कहा गया है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, ए अकेला कितने दिन में कर देगा। इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज मोर देन बी, अगर ए जो है बी से 10 दिन ज्यादा लेता है तो मान लो बी लेता है एक्स दिन उस काम को करने में, अगर बी लेता है एक्स दिन तो ए क्या लेगा, एक्स प्लस 10 डे, क्या लेगा, एक्स प्लस 10, क्या बताओ, डे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है कि ए कितने दिन में कर देगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बेस्ट होता है कि इसको आप किससे सॉल्व कर दो, बताओ, ऑप्शन से, ठीक है। चलो ऑप्शन क्या क्या दिया है एक बार लिख देता हूं मैं, ए बी सी डी। बेस लगाओगे, एलसीएम लोगे, क्वाड्रेटिक बनाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, तो बेस्ट होता है ऑप्शन से कर दो। 30, 20, 25 और क्या बताओ, 40। अच्छा ये आंसर किसके बारे में दिया गया है, ए के बारे में दिया गया है। अच्छा क्या अगर ए के बारे में दिया गया है तो क्या हम लोग तुरंत बी के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल, ध्यान रखना, ए जो है वो बी से 10 दिन ज्यादा लिया था, तो बी जो है ए से 10 दिन कम लेगा, तो 10 दिन कम कर दो, 20, 10, 15 और 30, ठीक है। आगे देखो, क्या हम लोग यहां ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर कितने में किए होंगे? ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको शॉर्टकट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कि अगर ए किसी काम को T1 टाइम में करता है, बी उसी काम को T2 टाइम में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने में करेंगे, T1 × T2 और डिवाइड बाई क्या बताओ, T1 + T2, इतने टाइम में करेंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो लगा दो आप T1 × T2, तो 30 × 20 कितना हो जाएगा, 600 बटे T1 + T2 कितना बताओ, 50, ये कितना आ गया, 12। तो ए और बी मिलकर इस ऑप्शन के हिसाब से 12 दिन में कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन में 12 दिन दिया था, बिल्कुल, तो आपका आंसर सही है, ए इज द राइट आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्वार्टिक बनाने से बजाय, ठीक है, कंसेप्ट को या ठीक करो, ठीक है, द्विघाती समीकरण बनाने से बजाय आप क्या करो, सिंपल सा सॉल्व कर दो ऑप्शंस के थ्रू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चंद्रशेखर, दानिश, गुड मॉर्निंग, सबको क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दो भाई, अगर क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से आप करेंगे तो आपका काफी बेनिफिट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग पढ़ो फटाफट। ए बी सी किसी काम को 12 दिन, 18 दिन और 24 दिन में करते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ए है, बी है और क्या बताओ, सी है। ए बी सी किसी काम को 12 दिन, 18 दिन और 24 दिन में करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब कहा गया दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम को स्टार्ट किया लेकिन एक दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, और बी ने काम खत्म होने से एक दिन पहले छोड़ दिया, तो पूछा गया है पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। पढ़ो, सोचो, सबने एक साथ काम को स्टार्ट किया है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ है बताओ, हाँ, सी ने जो है एक दिन बाद काम छोड़ दिया है और बी ने काम खत्म होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है। पढ़ो, सोचो और बताओ, ठीक है। चलिए देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत आसान तरीका मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। आप क्या करोगे, चलो पहले वर्क मान लो, पहला स्टेप तो वर्क मानना है, कितना मान लेंगे हम लोग, 12, 18, 24, 72 मान लूं, ले 72, ये क्या हो गया टोटल, क्या बताओ, वर्क, कुल समय हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, डे, ठीक है, चलो डिवाइड कर दो, यहां क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी, 12 से कितना, 6 बार, 18 से 4 बार, 24 से 3 बार, तो ये बन गई आपकी एफिशिएंसी, ध्यान रखना ये क्या बन गई, तो एफिशिएंसी। अच्छा एक काम करो, दिमाग में मान लो कि जो टोटल वर्क था, पूरा जो काम था वो दिमाग के अंदर मान लो कितने दिन में हुआ है बताओ, एक्स दिन में हुआ है, ध्यान रखना,
पूरा काम मान लिया कि कितने दिन में हुआ है, एक्स दिन में पूरा काम हुआ है, यहां तक कंफर्म है, ठीक है, पूरा काम एक्स दिन में हुआ है, ठीक। अब पढ़ते हैं, कहता है बट आफ्टर वन डे सी लेफ्ट द वर्क, काम स्टार्ट हुआ, सबने स्टार्ट किया, एक दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया, एक दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया। अच्छा, अगर एक दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया बेटा, तो आप क्या कहोगे, कम से कम एक दिन तो सी ने काम किया था, तो सी के सामने क्या लिखोगे, एक दिन, जितने दिन काम करेंगे वो लिख दो, सी कितने दिन काम किया था, एक दिन, फिर चला गया, ठीक है। आगे बढ़ो, बी लेफ्ट द वर्क बिफोर वन डे द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, बी जो है काम खत्म होने से एक दिन पहले छोड़ गया था, तो बी कितने दिन काम किया था, आप कहोगे एक्स माइनस वन, क्योंकि पूरा काम अगर एक्स दिन में हुआ है, वो एक दिन पहले भाग गया था, तो काम कितने दिन किया था, एक्स माइनस वन डे वो काम किया था। ए कभी भागा ही नहीं, इसका मतलब ए जो है पूरे एक्स दिन काम किया था, पूरे एक्स दिन वो काम किया था, यहां तक कंफर्म है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया कि टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और आप इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अरे तो इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और बन गया कि वर्क बराबर क्या होगा, टाइम इंटू एफिशियंसी, वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू एफिशियंसी, हाँ या ना, चलो तो टाइम को आप एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, वर्क। देखो ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, 6x प्लस ये 4x माइनस 4 हो जाएगा, तो 4x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, और बराबर क्या आ गया बताओ यहां से, 72। भाई ये टाइम इंटू एफिशियंसी वर्क आता है, तो ये सारा वर्क कितना है, 72 है, सॉल्व कर दो, तो 6 और 4 कितना आ गया, 10x माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 बराबर कितना बताओ, 72, शिफ्ट कर दो तो 10x बराबर 72 और 1 कितना आ गया बताओ, 73, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 73 बाई कितना बताओ, 10, तो आंसर आ जाएगा 7.3, क्या बताओ डेज, सबको क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दो। जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, स्टार्टिंग छोड़ चला गया, लास्ट से चला गया, ठीक है, चलिए, ठीक है, लवण्या माधवनी, ओके, बहुत अच्छे, एकदम आसान है, स्टार्टिंग से कोई जाएगा उसका दिन लिख दो, कोई लास्ट से जाएगा एक्स माइनस लिख दो, खत्म, एकदम आसान है, दोनों लास्ट से जाए तो दोनों को एक्स माइनस लिख दो, दोनों स्टार्टिंग से जाए दोनों का दिन लिख दो, खत्म हो गया, सिंपल सा, कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग उसी टाइप का है, जल्दी करो सब लोग, एक बार लिख देता हूं, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, और सी उसी काम को 24 दिन में करता है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। सबने काम स्टार्ट किया, लेकिन सी ने जो है काम खत्म होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया है, ठीक है, और बी ने जो है, बी ने वो सी से भी एक दिन पहले काम छोड़ दिया था, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ है, फिर सुन लो, काम खत्म होने से एक दिन पहले सी काम छोड़ दिया था, ठीक है, और सी से भी एक दिन पहले बी काम छोड़ दिया था, तो पूछा गया है पूरा काम कितने दिन में होगा, जल्दी करो फटाफट, तो वर्क और मान लेता हूं, वर्क कितना हो गया, 72, ठीक है, ये हो गया आपका वर्क, और ये क्या हो गया, टाइम, फटाफट डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा यहां से, एफिशियंसी, तो 12 से 6, 18 से 4, 24 से 3, ठीक है, चलो जल्दी करो, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं सबको, सेम टाइप क्वेश्चन अभी किया लगभग, मैंने क्या समझाया था, कोई लास्ट से जाएगा तो x माइनस लिखो, स्टार्टिंग से जाएगा उसका दिन लिखो, चलिए देखते हैं, c जो है काम खत्म होने से एक दिन पहले भाग गया था, तो क्या लिखोगे, x माइनस 1 काम किया था, b जो है उससे भी एक दिन पहले भाग गया था, अगर सी लास्ट से एक दिन पहले भागा था, बी उससे भी एक दिन पहले भाग गया था, तो बी जो है लास्ट से दो दिन पहले भाग गया था, तो क्या लिखोगे यहां पर, एक्स माइनस क्या बताओ, 2, एक्स माइनस 2, सिंपल है, ठीक है, मतलब लास्ट से दो दिन पहले भागा था, ए कभी भागा ही नहीं, यहां क्या लिख दोगे आप, एक्स, ए कभी भागा ही नहीं, यहां क्या लिख दोगे आप, एक्स, सिंपल है, ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा बताओ, यहां पर 6x प्लस यहां से कर दो 4x माइनस 8, ठीक है, प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया तो यहां से 72, कितना हो गया 72, 6 और 4 10 3 कितना बताओ 13x, कितना आ गया 13x, माइनस 8 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 11, बराबर कितना हो गया 72, ठीक है, तो 13x बराबर
72 और 11 कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पर, 83। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 83 बटे कितना बताओ 13। तो 13 6 78 ठीक है, कितना बचेगा 5 बटे कितना बताओ 13। सबको क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दो भाई। अगर क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लीजिएगा ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर ठीक है। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ो फटाफट, ढाई घंटे की क्लास है, इस क्लास को कर लोगे तो टाइम एंड वर्क आप कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 30 डेज ठीक है, लिख देता हूं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है ठीक है, और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है ठीक है। चले ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में। ए वर्क अलोन फॉर 4 डेज, ए ने अकेले 4 दिन काम किया, एंड देन बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क Along with C in 18 days, कहता उसके बाद B ने C की मदद से उस काम को 18 दिन में समाप्त कर दिया गया ठीक है। तो पूछा गया है C अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, जल्दी पढ़िए और बताइए। A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 30 दिन में कर सकता है ठीक है। पहले A ने 4 दिन काम किया है, फिर बी ने सी की मदद से उस काम को 18 दिन में समाप्त कर दिया है। तो पूछा गया सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। चलो देखो सबसे पहले क्या करोगे, वर्क एज्यूम करोगे कितना बताओ 60 ठीक है। फिर आप क्या निकालोगे, एफिशिएंसी, 20 से 3, 30 से 2, ये क्या आ गई आपकी बताओ एफिशिएंसी। ध्यान सुनना क्या आ गई, एफिशिएंसी। अच्छा ए ने पहले 4 दिन काम किया है तो ए की एफिशिएंसी 3 है, टाइम 4 है, तो उनको मल्टीप्लाई कर दो क्या आ गया वर्क, तो ये आ गया वर्क। समझ में आ रहा है ठीक है, आगे बढ़ो। बी ने सी की मदद से बचा हुआ काम 18 दिन में कर दिया है, बताओ बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, और सी की एफिशिएंसी नहीं पता है, तो मान लो उसकी एफिशिएंसी एक्स है। हमने मान लिया सी की एफिशिएंसी एक्स है, बचा काम कितने में कर दिया 18 में। एफिशिएंसी इनटू टाइम आता है वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम आता है वर्क, तो वर्क प्लस वर्क क्या हो गया टोटल वर्क, और टोटल वर्क कितना बताओ यहां पर 60, पूरा काम कितना बताओ 60, ये आपका टोटल वर्क है। क्लियर है, चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो 4 गुना 3 कितना आ गया 12, प्लस 18 दुने कितना बताओ 36, और प्लस कितना बताओ 18x, प्लस कितना आ गया 18x, और बराबर कितना बताओ यहां से 60। तो सॉल्व कर दो, जोड़ लो कितना आ गया 48 प्लस 18x, तो 18x बराबर, इसको शिफ्ट कर दो तो 60 में से 48 जाएगा 12 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 बटे 18 ठीक है। तो 6 दुनी 12, 6 ती 18, इसका मतलब जो c की एफिशिएंसी है वो कितनी आ चुकी है, c की एफिशिएंसी 2 बटे 3 आ चुकी है। ध्यान रखना c की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है 2 बटे 3। आपको c का टाइम निकालना है कितने में करेगा, तो पूरा काम कितना है 60, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 2 बटे 3, तो रिवर्स कर दो, तो 60 गुना 3 और बटे कितना बताओ 2, 2 से काट दो 30, और 30 गुना 3 क्या आ गया 90 दिन। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा बताओ 90 दिन में कर देगा। अगर क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए ठीक है। एफिशिएंसी इनटू टाइम हमेशा क्या आता है वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम हमेशा क्या आता है वर्क, और ये सब जोड़कर क्या आ गया वर्क। मान लिया सी की एफिशिएंसी क्या है एक्स है, सबको समझ में आ गया आसानी से। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन पढ़िए और लगाने का प्रयास कीजिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं ठीक है, उन्होंने एक साथ काम को स्टार्ट किया, लेकिन 23 दिन के बाद बी जो है काम छोड़कर भाग गया, बी जो है काम छोड़कर भाग गया, और पूरा काम जो है 33 दिन में समाप्त हुआ है, मतलब 10 दिन काम किया होगा ए ने। तो पूछा गया ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, पढ़ लो और लगाओ, एक मिनट का टाइम है। हर क्वेश्चन लगाने के लिए आपके पास एक मिनट का टाइम है, फिर मैं समझाऊंगा, सीखते जाइए।
फिर आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक आराम से आप कर सकते हैं। तो पूरा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, जल्दी सोचिए फटाफट, ठीक है? फटाफट सोचो, एक मिनट का टाइम है, पढ़िए और बताइए, सोचिए, ठीक है? चलिए सीखते हैं, ध्यान समझना। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है? तो आप कहोगे कि ए की एफिशिएंसी ए है और बी की एफिशिएंसी बी है, ऐसा मान लिया। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम कितना बताओ, ठीक है 30। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम से क्या आ गया, वर्क आ गया। ध्यान सुनना, मान लिया ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, तो टोटल एफिशिएंसी आ गई ए प्लस बी, कितने में किया है 30 दिन में, तो एफिशिएंसी टू टाइम से क्या आ जाता है, वर्क, ठीक है? तो यहां पे क्या मैं लिखूंगा, वर्क बराबर क्या बताओ, वर्क के, ठीक है? सुनो आगे पढ़ो, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट द वर्क। उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया, मतलब किस एफिशिएंसी से, ए प्लस बी से, कितने दिन काम किया, 23 दिन काम किया, 23 दिन काम किया। फिर कौन चला गया छोड़कर, ए और बी दो लोग थे बेटा, बी छोड़कर चला गया। अच्छा अगर बी चला गया तो कौन बचा, ए बचा। पूरा काम कितने दिन में हुआ है, पूरा हुआ है 33 दिन में, तो डिफरेंस कितने का है, 10 दिन का, मतलब ए ने कितने दिन काम किया है, 10 दिन काम किया है, ठीक है? तो एफिशिएंसी इनटू टाइम तो वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम तो वर्क, बी चला गया तो ए बचा, 23 दिन हो गया था, पूरा हुआ है 33 में, तो बचे कितने, 10 दिन। क्वेश्चन खत्म, सॉल्व कर दो। ए प्लस बी यहां 30 गुना है, ए प्लस बी यहां 23 गुना है, घटा दो कितना बचेगा, ए प्लस बी बच जाएगा यहां से 7 गुना, 30 में से 23 गया 7 गुना, और बराबर क्या हो गया बताओ, यहां पर ए आपको दिया गया है 10 गुना, ठीक है? तो आप यहां से एक काम करो, ए प्लस बी और डिवाइड बाई ए निकाल लो, मतलब ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी और यहां से ए की एफिशिएंसी निकाल लो। तो ए प्लस बी किससे गुणा है, 7 से, और ए किससे गुणा बताओ, 10 से। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 10 है और ए की एफिशिएंसी 7 है, ठीक है? चलो तो क्या आप यहां से वर्क निकाल सकते हो, अरे ये वर्क ही तो है, चलो वर्क निकाल लो, एकदम आसान चीजें हैं, समझते जाओ। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 10 है तो यहां से वर्क कितना आएगा, 10 गुना कितना बताओ, 30। या ऐसे भी सोच सकते हो कि ए प्लस बी का मान 10 है तो कितना वर्क आ गया, वर्क तो आ गया 300। चलो तो पूछा गया है लास्ट में कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है बोलो, 300, ठीक है? और एक एफिशिएंसी कितनी है, 7, तो आंसर हो गया 300/7 दिन। अगर क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दो, एकदम आसानी से जो वो कहता जाए तुम करते जाओ। और ये 10 कैसे आया है, कहता है पूरा काम हुआ है 33 दिन में, ठीक है? अब वो भाग गया था 23 दिन के बाद, ठीक है? तो ये बचे कितने, बचे आपके 10 दिन। क्लियर है तो फटाफट कमेंट करते जाइए। और ये 10 और 7 क्या आता है, ये वास्तव में एफिशिएंसी आती है, कार्य करने की क्षमता आती है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग पढ़ो, बताओ ए जो है 4/5 भाग जो है 20 दिन में कर सकता है, ए जो है 4/5 काम जो है 20 दिन में कर सकता है। उसके बाद वो बी को बुलाता है, उसके बाद वो बी को बुलाता है और वो लोग मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में कर देते हैं, वो लोग मिलकर बचा काम 3 दिन में कर देते हैं। पूछा गया है बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, ये बताना है आपको। जल्दी करो सब लोग, फटाफट जल्दी पढ़िए, सोचिए, बताइए, ठीक है? देखो क्या कहोगे, सुनो, ए जो है 4/5 भाग काम कितने दिन में कर देता है, 20 दिन में। अगर वो 4/5 काम 20 दिन में कर देता है तो पूरा काम कितने में करेगा, आप लिखोगे 20/ कितना बताओ, 4/5। तो इसको रिवर्स कर दो, तो 20 × 5 और बटे क्या आएगा बताओ, 4, तो 4 से कट कर दो 5, 5 जा कितना आ गया, 25 क्या बताओ डेज, ठीक है? तो ए जो है वो पूरा काम कितने में कर सकता है, 25 दिन में कर सकता है। मैं यहां लिख देता हूं, ए जो है पूरा काम 25 दिन में कर सकता है, ठीक। अच्छा क्या कहता है कि वो 4/5 काम किया था वास्तव में, ठीक है, काम कितना बचा होगा, 1/5 बचा होगा। आगे पढ़ो क्या हुआ है, ही देन कॉल्स इन बी एंड दे टुगेदर, मतलब कौन, ए और बी,
तो ए और बी मिलकर उस एक बटे पांच काम को, उस एक बटे पांच काम को कितने दिन में कर देते हैं? तीन दिन में कर देते हैं। ए और बी मिलकर उस एक बटे पांच काम को तीन दिन में कर देते हैं, तो पूरा कितने में कर सकते हैं? पांच तिया 15 दिन में। अगर ए और बी मिलकर एक बटे पांच काम को तीन दिन में कर सकते हैं तो पूरा कितने में करेंगे? 15 दिन में। ठीक है, तो यहां लिख दो आराम से कि ए और बी मिलकर उस पूरे काम को 15 दिन में कर सकते हैं। हाँ या ना? ठीक है, क्वेश्चन खत्म। क्या पूछा गया लास्ट में? बी कितने दिन में करेगा? तो वर्क मान लो 75, 15 से हो गया 5 बार, 25 से हो गया 3 बार। ये क्या आ गई आपकी? एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। आपको क्या निकालनी है? बी की एफिशिएंसी, मतलब बी का वर्क निकाल। तो वर्क कितना है? 75। अगर आप ए प्लस बी में से ए को हटा दो तो बी आ जाएगा, तो 5 में से 3 आ गया 2, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। यहां 2 लिख दो, यहां कितना आ जाएगा? 37.5 days, 37.5 दिन। क्या सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए कि बी कितने दिन में करेगा। बी करेगा 37.5 या 75/2 में। सभी लोग फटाफट कमेंट करते जाओ भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और बताओ फटाफट, आ जाओ फटाफट करते जाओ। ए और बी मिलकर, ध्यान रखना, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। अच्छा, उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद क्या बताओ? बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। अगले 20 दिनों में ए ने बचे हुए काम को समाप्त कर दिया, तो पूछा गया ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? पढ़ो, सोचो, बताओ। अच्छा, हर क्वेश्चन लगाने के बहुत तरीके हैं, बट मैं आपको एक तरीका बताता जा रहा हूं। हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं हर क्वेश्चन को, बट उतना टाइम नहीं है बिकॉज सारे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ठीक है, पूरा टॉपिक खत्म करना है। चलिए देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। मान लो ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, तो ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम से क्या आ गया बताओ? वर्क, ठीक है। चलो, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, उन्होंने 20 दिन काम किया। कौन? ए और बी। तो ए और बी मिलकर कितने दिन काम किए? 20 दिन, आ गया वर्क। बी चला गया, ए और बी दोनों लोग थे, बी चला गया, तो कौन बचा बताओ? बचा ए। अगले 20 दिन में काम को समाप्त कर दिया, तो ए जो है अगले 20 दिन काम किया, काम खत्म हो गया, तो ये क्या आ गया? वर्क। ए और बी मिलके 20 दिन काम किए, फिर बी भाग गया, तो ए ने अगले 20 दिन में काम खत्म कर दिया। बस खत्म कर दो। ए प्लस बी 30 गुना है, ए प्लस बी 20 गुना है, घटा दो 10 गुना आ जाएगा, तो ए प्लस बी यहां पर क्या आ जाएगा? 10 गुना। और यहां पर ए क्या है बताओ? यहां से 20 गुना, ठीक है। चलो सॉल्व कर दो। अगर आप यहां से ए प्लस बी अपॉन ए निकालेंगे तो ए प्लस बी 10 से गुना है, 10 यहां आ जाएगा, और ये 20 से गुना है, 20 यहां आ जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। रेशियो क्या आ जाएगा बताओ? 2:1। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है और ए की एफिशिएंसी 1 है, ए की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो पहले वर्क निकाल लो। तो अगर ए प्लस बी का मान 30 है तो वर्क कितना आएगा? ए प्लस बी 2 है तो 2 × 30, तो 2 × 30 कितना आ गया बताओ? 60 आ गया, 60, सिंपल सा, ठीक है। तो वर्क कितना हो गया? 60। अब लास्ट में क्या पूछा? ए अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो काम कितना है बोलो? काम है 60, ठीक है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो कितने में करेगा बताओ? 60 दिन में करेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, लगाने के बहुत तरीके हैं, बट आप उस तरीके से लगाओ जिससे आप सारे क्वेश्चंस को लिंक कर पाओ, ठीक है। कभी और मान लीजिए और बड़ी क्लास लूंगा तो और तरीके समझाऊंगा हर क्वेश्चन के, दो दो तरीके, तीन तीन तरीके, ठीक है, बट अभी एक तरीके लगाते जा रहे हैं बेसिक फॉर्म में, सिंपलेस्ट जो तरीका है वो समझा रहा हूं आपको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग पढ़ो, बताने का प्रयास करो सभी लोग। सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है एक बार कमेंट कर दो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है फटाफट कमेंट कर दीजिए एक बार सभी लोग, जितने लोग भी लाइव हैं।
पढ़ो क्वेश्चन। एबीसी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। सबने काम स्टार्ट किया लेकिन 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, फिर बी और सी ने अगले 10 दिनों में काम को खत्म कर दिया। तो पूछा गया ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। पढ़िए, सोचिए, बताइए, सभी लोग फटाफट। चंद्रशेखर बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं। सेम उसी टाइप क्वेश्चन, लगभग ए बी सी मिलकर 10 दिन में करते हैं। क्या आ गया? वर्क आ गया। ठीक है, चलो तो वर्क बराबर वर्क के। ठीक, आगे बढ़ो। सबने एक साथ काम को स्टार्ट किया और 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी सी सबने जो है कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। फिर ए चला गया तो कौन बचा? बी और सी। तो बी और सी ने अगले 10 दिन में काम खत्म कर दिया। तो वर्क बराबर वर्क के। अब सॉल्व कर दो, ए बी सी यहां 10 गुना है, यहां 4 गुना है, घटा दो 6 गुना आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी 10 गुने में से 4 गुना गया तो 6 गुना बचा। और बराबर यहां क्या है? यहां है बी प्लस सी, कितने गुना बताओ यहां से? 10 गुना। तो अगर आप यहां पे लिखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बताओ? बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी 6 से गुना है, यहां 6 लिख दो, बी प्लस सी 10 से है, 10 लिख दो। ठीक है, चलो 2 से कट कर दो तो 5/3, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है और बी और सी कितनी है? 3 है। तो सबसे पहला काम करो वर्क निकाल लो। क्या निकाल लो? वर्क। तो वर्क कितना आ गया? 5 × 10, तो कितना आ गया बताओ? 50। काम कितना आ गया बताओ? 50 आ गया। ठीक है, काम 50 है, ठीक, करवाना किससे है? ए से। तो ए कितने समय में करेगा? अच्छा एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर बी और सी को हटा दिया जाए तो कौन बचेगा? ए ही बचेगा। और यहां 5 में से 3 घटा दो तो 2 बचेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, तो काम कितना है पूरा? 50 है और ए की एफिशिएंसी 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 25, क्या बताओ? डेज। तो ए अकेला उस काम को 25 दिन में कर सकता है। एकदम सिंपल, लिखते जाओ, क्वेश्चन खत्म। क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दो भाई सभी लोग। अगर क्लियर है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करते जाइए। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जल्दी पढ़ो। क्वेश्चन है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 32 दिन में करते हैं। मैं डेटा लिख दे रहा हूं यहां पर। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लैंग्वेज कुछ और है। ठीक है, एक मिनट, इसमें ये है बच्चों, ए और बी ऐसा कुछ नहीं दिया है, एक मिनट रुकिएगा, ये हटा देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन ये है कि ए और बी दो आदमी काम पर लगाए गए हैं, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अगर ए अकेला काम करेगा तो जितना वो लोग मिलकर समय लेते थे उससे 32 दिन ज़्यादा लेगा। ठीक है, अगर बी अकेला काम करेगा जितना वो लोग समय लेते थे उससे 8 दिन ज़्यादा लेगा। तो पूछा गया है वो दोनों मिलकर कितने में करेंगे। मतलब डेटा कुछ इस टाइप का है कि ए और बी मिलकर मान लो उस काम को एक्स दिन में करते हैं, ऐसा अज्यूम कर लिया। तो ए क्या करेगा? उससे 32 दिन ज़्यादा लेगा। तो आप क्या लिखोगे? एक्स प्लस 32, क्या बताओ? डेज। और बी अगर अकेला काम करेगा तो वो क्या लेगा? 8 दिन ज़्यादा लेगा, एक्स प्लस 8 डेज। ये दिया ना, 32 दिन ज़्यादा लेगा और 8 दिन ज़्यादा लेगा उस समय से। तो पूछा गया है ए और बी मिलकर कितने में करेंगे, मतलब आपको एक्स निकालना है। ठीक है, चलिए, अब इसका शॉर्टकट भी होता है, इसका बेस भी होता है। तो पहले आपको बेस पढ़ा दूं। देखो, ए का टाइम T1 है, बी का टाइम T2 है, तो ए और बी का टाइम कैसे आएगा? आप लोगों को शॉर्टकट समझा चुका हूं, T1 इंटू T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, यही होता था। तो x प्लस 32 गुना x प्लस 8 डिवाइड बाई यहां क्या आ जाएगा? x प्लस 32। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा? x प्लस 8। सही है, चलो। और बराबर बराबर क्या आएगा बताओ? यहां पर टोटल टाइम कितना होता है? x दिन इन लोगों का टोटल टाइम कितना है? x। ठीक है, चलो सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व कर देखते हैं, तो x इंटू x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। ठीक है, 32x 8x कितना हो जाएगा? 40x। और 32 गुना 8 कितना हो गया? 256 डिवाइड बाई x प्लस x क्या आ गया? 2x। 32 और 8 क्या आ गया? 40। बराबर क्या हो गया? x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां से। ठीक है,
ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 40x और प्लस कितना 256 बराबर बराबर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, यहां से हो गया 2x स्क्वायर प्लस 40x। ये आपको पहले पढ़ा रहा हूं बेसिक्स, फिर इसका शॉर्टकट भी होता है, ठीक है। तो घटा दो यहां से, तो 256 बराबर यहां घटाओ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 256 है तो एक्स का मान क्या आएगा 16 दिन, एक्स का मान कितना आ जाएगा 16 दिन, हो गया आंसर आपका, एक्स पूछा गया था, ठीक है। चले, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आपको ऐसा डेटा दिया गया है तो ये तो हो गया पूरा बेसिक, ठीक है। ट्रिक क्या होता है, देखो जब ऐसा क्वेश्चन होता है ट्रिक क्या होती है, अगर ऐसे केस में आपको x का मान निकालना है, इस x का मान निकालना है, तो आप क्या करो, सीधा कर दो ट्रिक, रूट ऑफ जो यहां पर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज हैं उनको गुणा करके रूट ले लो, 32 दिन ज्यादा 8 दिन ज्यादा तो उनको मल्टीप्लाई कर दो 32 गुना 8, तो 32 गुना 8 कितना हो जाएगा बताओ 256, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ 16 दिन। क्लियर सबको, तो फटाफट कमेंट कर दीजिए अगर क्लियर है तो। सभी लोग फटाफट कमेंट कर दो, आप बेस से भी लगा सकते हो, ट्रिक से भी लगा सकते हो, अगर क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन लगभग उसी टाइप का है, जल्दी कीजिए, अगला क्वेश्चन लगभग उसी टाइप का है। ए और बी किसी काम पर लगाए गए हैं, ए अकेला करेगा तो 8 घंटे ज्यादा लेगा, बी अकेला करेगा तो 4.5 घंटे लगेगा, तो पूछा गया दोनों मिलकर कितने में करेंगे, दोनों मिलकर मतलब क्या निकालना है, एक्स निकालना है, ठीक है। तो रूट ऑफ क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 गुना कितना 4.5, तो रूट ऑफ कितना आ जाएगा यहां से 36, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 दिन। घंटे दिया है, अच्छा घंटे दिया तो 8 लिख दो, जैसे यूनिट है वैसे ही आंसर आएगा, तो 6 क्या हो जाएगा तो यहां से घंटे पास। बात समझ में आ रही सबको, क्लियर है, चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग पढ़ो। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ले देता हूं यहां पर, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं, ठीक है। तो बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं, ए और बी करते हैं 12 में, बी और सी करते हैं 16 में, ठीक है। कहा गया है ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, यहां लिख देता हूं, ए ने पहले 5 दिन काम किया है, फिर बी ने 7 दिन काम किया है, और फिर सी ने जो है 13 दिन करके काम को खत्म कर दिया है, ये सब अकेले के लिए काम किए हैं, ठीक है। तो पूछा गया ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, जल्दी कीजिए फटाफट सभी लोग, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे इसको करना है, तो सबसे पहले वर्क एज्यूम कर लो, कितना मान हो गया 48, ठीक है। 12 से भाग कर दिया 4, 16 से भाग कर दिया 3, ये क्या हो गई आपकी एफिशिएंसी। अब देखो आपको जो एफिशिएंसी पता है वो मिक्स करके पता है, मतलब ए और बी की पता है, बी और सी की पता है, मतलब अकेले अकेले नहीं पता है, अकेले अकेले नहीं पता है, लेकिन अकेले अकेले नहीं पता है, लेकिन यहां पर काम वो लोग अकेले अकेले किए हैं, तो यहां पर क्या करोगे, इसको बनाओगे इक्वेशन फॉर्म में। कैसे, देखो तुम कहोगे कि ए और बी का, ए और बी का 5 दिन का काम, तुम क्या कहोगे ए और बी का 5 दिन का काम, मतलब ए भी 5 दिन काम किया, ठीक है, और बी भी 5 दिन काम किया। ध्यान सुनना भाई, ए और बी मिलकर अगर 5 दिन काम करेंगे तो ए भी 5 दिन काम करेगा, बी भी 5 दिन काम करेगा, ठीक है। अच्छा, क्या ए ने 5 दिन काम किया था, बिल्कुल सही है, बी ने यहां पे 5 दिन काम कर लिया, कोई बात नहीं, बी वास्तव में 7 दिन काम किया था, तो आगे लिख दो बी प्लस सी को 2 दिन और काम करवा दो, कितना करवा दो, 2 दिन, क्यों, बी 5 दिन काम कर चुका है, उसको केवल 2 दिन और काम करवाना है, तो बी का 7 दिन पूरा, लेकिन सी ने भी 2 दिन काम कर लिया, अगर सी ने 2 दिन काम कर लिया तो कितना बचा, बचा सी का 11 दिन, तो सी को 11 दिन और काम करवाना पड़ेगा,
समझ गए ना, ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म, देख लो पहले फिर से एक बार। ए किया 5 दिन, बिल्कुल सही। बी किया 5 और 2, 7 दिन, बिल्कुल सही। सी किया 2 और 11, 13 दिन, बिल्कुल सही। क्वेश्चन खत्म है, चलो अब देखते हैं यहां पर कितना कितना वर्क हो गया। हम लोगों को पता है एफिशिएंसी इनटू टाइम से वर्क आ जाता है, तो 4 गुना 5 कितना काम हो गया, 20 काम। यहां पर एफिशिएंसी 3 है, यहां टाइम 2 है, तो 2 गुना 3 कितना आ गया बताओ, 6 काम। कितना हो गया, 6 काम। 20 और 6 कितना हो गया बताओ, 26 काम। 20 और 6 कितना हो गया, 26 काम। हटा दो यहां 26 काम, कितना काम बचा, बचा आपका 22 काम। ठीक है, काम कितना बचा यहां पे, 22 काम बचा है, क्लियर है। अच्छा, उस 22 काम कौन किया है, सी ही किया होगा, और कौन किया होगा 22 काम को। अच्छा, सी जो है 22 काम को 11 दिन में करता है, तो बताओ मुझे सी की एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, तो आप कहोगे 22 काम अगर वो 11 दिन में करता है तो उसकी एफिशिएंसी 2 है, हाँ या ना। चलो अच्छा, अगर सी की एफिशिएंसी 2 है, ध्यान सुनना, अगर सी की एफिशिएंसी 2 है, ठीक है, तो लिखता हूं यहां, देखो मजा आएगा। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है, बताओ 2 में क्या जोड़ू, 3 आ जाए, आप कहोगे 1 जोड़ दो, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अच्छा अगर बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 में क्या जोड़ू, 4 आ जाए, 3 जोड़ दो, तो 1 की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब किसी के बारे में पूछा जाए आप आंसर कर सकते हो, वैसे उसने 1 के बारे में पूछा है। तो वर्क कितना है, 48, 1 की एफिशिएंसी 3 है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 16 दिन। क्या सबको क्लियर है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। अगर क्लियर है तो फटाफट कमेंट करते जाओ, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है। चले दीपक कह रहे 11 कैसे आया, अरे सी ने 2 दिन काम कर लिया है, पूरा किया है 13 दिन, तो कितने दिन बचे, 11 दिन बचे सी के। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी पढ़ो सब लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में क्या है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। ए ने 8 दिन काम किया, उसके बाद बी ने 20 दिन काम किया, काम खत्म हो गया। पूछा गया बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर गया या कर सकता है, जो भी है, पढ़ो सोचो बताओ। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, पहले ए ने अकेले 8 दिन काम किया, फिर बी ने अकेले 20 दिन काम किया, काम खत्म हो गया। तो पूछा गया है बी अकेला कितने दिन में काम खत्म कर देगा। सीखा जाए, चलो कैसे करोगे, देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ये क्या आ गया, वर्क। बहुत बार कर चुके हो, हम लोग जानते हैं वर्क बराबर वर्क करके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले ए ने अकेले 8 दिन काम किया, तो ए की एफिशिएंसी ए है, 8 दिन काम किया तो वर्क आ गया। फिर बी आके अकेले 20 दिन काम किया, बी की एफिशिएंसी बी, 20 दिन काम किया, हो गया वर्क, ठीक है। पूछा गया बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सॉल्व कर दो यहां से, तो क्या हो गया 12a प्लस 12b बराबर यहां से क्या आ जाएगा 8a और प्लस क्या बताओ 20b, ठीक है। तो 12a माइनस 8a कितना आ जाएगा 4a, 20b माइनस 12b कितना आ जाएगा 8b। तो आप यहां से a अपॉन b निकाल लो, मतलब उनके एफिशिएंसी का रेशियो, a गुना है 4 से यहां लिखो, b गुना है 8 से यहां लिखो, कट कर दो, कितना हो जाएगा 2/1। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है उनका रेशियो क्या है, 2:1 है। तो यहां से आप वर्क निकाल लो, ठीक है, तो ये आपका वर्क यहां से आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो क्या लिखोगे 2+1 और इंटू क्या बताओ 12, 2 और 1 3, 12 3 कितना बताओ 36। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 36 आ गया, तो काम कितना है 36 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो बी कितने दिन में काम कर देगा 36 दिन में। अगर पूछा जाए ए कितने में कर देगा, ए की एफिशिएंसी 2 है, 36 को 2 से भाग कर दो 18 आ जाएगा। अरे समझ गए हो तो फटाफट यस सर लिख दो सभी लोग, अगर समझ गए हो तो फटाफट यस सर लिख दीजिए सभी लोग।
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग, ठीक बच्चों, टोटल 2.5 घंटे की क्लास है, तो 1.25 घंटे बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर पढ़ेंगे 1.25 घंटे, क्योंकि लगातार 2.5 घंटे पढ़ना बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो लगभग 1 घंटे हो चुके हैं, तो 15 मिनट बाद आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, मतलब 2-4 मिनट 5 मिनट का, ठीक है, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आज ये टॉपिक आप खत्म हो जाएगा, फिर आप किसी बुक से लगाना आप लगा लोगे, ठीक है। चलो देखो, ए और बी, ध्यान रखना, ए और बी जो है मिलकर किसी काम को 10 घंटे में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 घंटे में करते हैं, ठीक है। अगर ए जो है 2.5 घंटे काम करे और बी जो है 8.5 घंटे काम करे, तब भी आधा काम बचा रह गया था, तो आधा काम बच जाएगा। पूछा गया ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर देगा। देखो कैसे करोगे, सुनो, ए और बी मिलकर पूरा काम 10 घंटे में करते हैं, तो आप लिखोगे ए की एफिशिएंसी ए, बी की एफिशिएंसी बी, कितने में करते हैं, 10 घंटे में काम कर देते हैं। ये क्या आ गया आपका, वर्क, क्या आ गया बताओ, वर्क। तो वर्क बराबर क्या होगा, वर्क के, वर्क बराबर वर्क के, ठीक है। ए ने अगर 2.5 घंटे काम किया, तो आप कहोगे ए ने कितने घंटे काम किया, 2.5 घंटे काम किया, सही है, अच्छा। प्लस बी ने 8.5 घंटे काम किया, बी ने कितने घंटे काम किया बताओ, बी ने किया है 8.5 घंटे काम, ठीक है। चलो, कहता है तब भी आधा काम बचा रह गया था, तब भी आधा काम बचा रह गया था, मतलब पूरा काम नहीं है। अच्छा, अगर आधा काम बचा रह गया था तो आधा काम हो गया था, इसका मतलब ये जो पार्ट है यहां वाला, ये आधा काम है, तो अगर ये आधा है तो इसको क्या करोगे, 2 से गुणा कर दो, पूरा हो जाएगा। फिर सुन लो, कहता इन लोगों के इतना करने के बाद भी आधा काम बचा रह गया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आधा काम बचा रह गया था मतलब आधा हो गया था, अगर ये आधा काम है तो आधे को मैं 2 से गुणा कर दूं तो पूरा हो जाएगा, तो पूरा काम हो जाएगा। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। तो यहां से गुणा करो, क्या आ गया 10A और प्लस यहां क्या बताओ 10B बराबर 2.5 गुना क्या आ जाएगा 5A, 8.5 दुनी कितना आ जाएगा 17, क्या बताओ यहां से बी, तो 10 में से 5 गया, क्या आ गया 5A, ठीक है, और 17 क्या आता है 7B, आसान है, ठीक है। तो यहां से आप A अपॉन बी निकाल लो, A गुना है 5 से, B गुना है 7 से, ठीक है, तो A की एफिशिएंसी 7 है, B की एफिशिएंसी 5 है, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल लो, वर्क निकाल लो, तो A 7 है, B 5 है, तो क्या हो जाएगा 7 + 5 और गुना क्या बताओ 10, 7 × 5 = 12 गुना 10 कितना आ गया 120, ठीक है। तो वर्क कितना आ गया बताओ 120, ठीक है, करवाना किससे है, ए अकेला कितने में कर देगा, ठीक है, तो वर्क कितना बताओ 120, ठीक है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो आंसर हो जाएगा 120/7 डे। क्या सबको क्लियर है, तो फटाफट कमेंट कर दो, अगर क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी लगभग उसी टाइप का है। चलो देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो आप लिखोगे ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 6 दिन में, ये क्या हो गया वर्क। अच्छा, वर्क बराबर क्या होगा, वर्क के लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अगर ए करेगा 4 दिन, बी करेगा 6 दिन, तो लिख दो ए करेगा 4 दिन और बी करेगा कितना बताओ 6 दिन, ठीक है। कहता है तब भी 1/5 काम बचा रह गया, तो अगर 1/5 काम बचा रह गया मतलब कितना हो गया, 4/5 हो गया है। फिर सुन लो, अगर 1/5 बचा रह गया है तो 4/5 हो गया है, तो अगर 4/5 को मैं 5/4 से गुणा कर दूं तो क्या 1 आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो 4/5 मतलब 4/5 काम हुआ है, तो इसको आप 5/4 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, पूरा काम आ जाएगा, हाँ या ना, सॉल्व कर दो अब। तो 6 × 4 = 24, तो आ गया 24A प्लस क्या बताओ 24B, यहाँ 5 × 4 कितना आ जाएगा 20A, 5 × 6 कितना आ गया 30B, चलो घटा दो, तो 24 में से 20 गया, क्या आ जाएगा 4A,
और 30 में से 24 गया क्या बताओ, 6 बी। तो आप यहाँ से ए अपॉन बी निकाल लो उनकी एफिशिएंसी। ए गुना है 4 से, बी गुना है 6 से, तो यहाँ 4 यहाँ 6, 2 से कट कर दो 3/2। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी कितनी बताओ 2 है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर लो, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2, अच्छा इनटू कितना है 6, तो 3 और 2 कितना आ गया 5, 5 गुना 6 कितना आ गया बताओ 30। ये टोटल वर्क कितना आ गया बताओ 30 आ गया है। पूछा गया स्लोअर मैन कितने में करेगा, किसकी एफिशिएंसी कम है, बी की, तो स्लोअर मैन है, तो बी कितने में कर देगा बताओ, पूरा काम 30 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो कितने में कर देगा, बी कर देगा 15 दिन में। अगर क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दो भाई सभी लोग। क्लियर सबको? ठीक है, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए, लगाने का प्रयास कीजिए। कहता है ए उतना ही समय लेगा जितना बी और सी मिलकर लेंगे किसी कार्य को समाप्त करने में, ठीक है। मतलब ए का टाइम और बी प्लस सी का टाइम बराबर है। हमेशा ध्यान रखना, अगर टाइम बराबर है तो बेटा एफिशिएंसी अपने आप बराबर होगी। मतलब जो ए की एफिशिएंसी होगी वही बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर दो लोग हैं या दो ग्रुप हैं, आपसे कहा गया उनका समय बराबर है, तो समय बराबर तभी हो सकता है जब उनकी एफिशिएंसी बराबर हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है? आगे कहा गया ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर देंगे। देखो इधर, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने में कर देंगे, 10 दिन में, ठीक है। और सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर देगा, तो सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर देगा, यही कहा गया है, ठीक है। लास्ट में पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहला स्टेप वर्क अज्यूम करो कितना बताओ, 30 वर्क हो गया। फटाफट डिवाइड करो, एफिशिएंसी जाएगी, 10 से भाग दिया 3 और 15 से भाग दिया 2, ये क्या हो गया आपका एफिशिएंसी। जोड़ लो एफिशिएंसी यहां पर, तो यहां आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 3 और 2 कितना आ गया 5। अच्छा आप पहले ही समझ चुके हो कि जो ए की एफिशिएंसी है वही बी प्लस सी की होगी, बात कंफर्म, ठीक है। तो जो ए की एफिशिएंसी है वही बी प्लस सी की होगी, ठीक है। अब सुनो, दो बराबर चीज जोड़कर कितना दिया गया है 5, या ऐसे भी सोच सकते हो ए की एफिशिएंसी ई है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी ई है, और इनको जोड़ के 5 दिया है, तो ई प्लस ई मतलब 2e equals to 5, तो ई का मान क्या आ जाएगा, 2.5, मतलब इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2.5 हो गया। बी कितने में करेगा, सॉल्व कर दो, काम कितना है 30, काम कितना बताओ 30, आपको बी की एफिशिएंसी चाहिए, बहुत आसान। क्या करोगे, अगर बी प्लस सी वाले में से आप सी को हटा दो तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 2.5, सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, घटा दो कितना आ गया 0.5, तो बी कितना हो गया 0.5, यहां पुट कर दो 0.5, तो आंसर क्या आ जाएगा 60, क्या बताओ डेज, 60 दिन। क्लियर सबको, कंफर्म है? चलिए सभी लोग फटाफट कमेंट कर दो अगर क्लियर है तो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी, उसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। ए उतना ही समय लेता है जितना बी और सी मिलके लेते हैं, मतलब समझ गए एफिशिएंसी बराबर है। ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर देते हैं, सी करता है 50 दिन में, तो बी कितने में करेगा, जल्दी करो, ठीक है। ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर देते हैं, सी अकेला उस काम को कितने में करता है 50 दिन में, तो वर्क कितना ज्यूम करोगे 50, ये क्या हो गया आपका वर्क, ठीक है। चलो 10 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 5, 50 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 1, तो ये क्या हो गया एफिशिएंसी। यहां जोड़ लो ए प्लस बी प्लस क्या बताओ सी, 5 और 1 कितना आ गया 6, कितना आ गया बताओ 6। अब क्या करोगे,
आपको पता है जो एफिशिएंसी ए की होगी वही बी प्लस सी की होगी। तो 6 को दो बराबर भाग में ब्रेक कर दो, कितना कितना आएगा, 3 और 3। ठीक, आपको चाहिए कि बी कितने में काम करेगा, ठीक है, काम कितना है 50, बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, फिर से लिख लो, बी बराबर क्या होगा, बी प्लस सी में से आप सी हटा दो, कुछ भी कर सकते हो। तो बी प्लस सी 3 है, सी 1 है, घटा क्या आ गया 2, तो यहाँ आपने 2 से भाग कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 25 दिन। सबको क्लियर है, कंफर्म है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ, करते जाओ भाई, पूरा टॉपिक करना हम लोगों को आज, जल्दी पढ़ो। ए ने एक कार्य प्रारंभ किया, ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद चला गया करके, मतलब 2 दिन काम किया फिर चला गया, फिर बी को बुलाया गया और उसने बचा हुआ काम 9 दिन में समाप्त कर दिया, ठीक है, मतलब ए किया 2 दिन, बी किया 9 दिन, काम खत्म हो गया। कहता अगर ए 3 दिन काम करता तो बी को लगते 6 दिन उस कार्य को समाप्त करने में, ठीक है, पूछा गया उनमें से प्रत्येक जो है उस काम को कितने दिन में कर देगा, जल्दी पढ़िए, सोचिए, बताइए। अगर ए करेगा 2 दिन तो बी को लगेंगे 9 दिन, अगर ए करेगा 3 दिन तो बी को लगेंगे 6 दिन, तो पूछा गया है दोनों अकेले के लिए उस काम को कितने दिन में कर देंगे। बहुत आसान, कैसे करोगे, देखो, अगर ए करेगा 2 दिन तो बी को लगेंगे 9 दिन, हम लोग क्या कर रहे हैं, एफिशियंसी इंटू टाइम, एफिशियंसी इंटू टाइम, इससे क्या आ जाता है, इससे वर्क आ जाता है, तो वर्क बराबर यहां से क्या आ जाएगा, वर्क, ठीक है, चलो आगे पढ़ो। अब क्या कहता है, अगर ए जो है 3 दिन काम करता तो बी को लगते 6 दिन, अगर ए करता 3 दिन काम तो बी को लगते 6 दिन, यहां क्या आ गया, 6B, ठीक है, सॉल्व कर दो आसानी से, अब ठीक है, आ जाएगा 3A - 2A, क्या आ गया, ए 9B - 6B, कितना आ गया, 3B, तो यहां से आप ए अपॉन बी निकाल लो, ए किससे गुणा है, 1 से, बी किससे गुणा है, 3 से, ठीक है, तो ए का मान 3, बी का मान 1, तो यहां से आप सबसे पहला काम करो वर्क निकालो, क्या निकालो, वर्क, तो 2A, ए का मान 3 है, 3 गुना 2 कितना, 6, 9B, 9 1 9, 9 6 कितना आ गया, 15, तो वर्क कितना आ गया बताओ, 15, ए कितने में करेगा और बी कितने में करेगा, काम कितना बताओ, काम है 15, काम है 15, ए की एफिशियंसी 3 है यहां लिख दो, बी की एफिशियंसी 1 है यहां लिख दो, तो ए जो है काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में, और बी कितने में करेगा, 15 दिन में, खत्म। क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दो भाई, अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट कमेंट करते जाइए सभी लोग, ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी डिक्टो उसी टाइप का है, जल्दी करो सभी लोग। अगर ए करेगा 1 दिन तो बी को लगेंगे 4.5 दिन, अगर ए करेगा 1.5 दिन तो बी को लगेंगे 3 दिन, ठीक है, तो पूछा गया दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं, जल्दी करो फटाक से। ए करेगा अगर 1 दिन, ए करेगा 1 दिन तो बी को लगेंगे 4.5 दिन, ठीक है, अगर ए करेगा 1.5 दिन तो बी को लगेंगे कितना बताओ, 3 दिन, ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे आप, वर्क, और बराबर बताओ यहां से क्या, वर्क, ठीक है, सॉल्व कर दो आसानी से, ठीक है, तो कैसे करोगे, 1.5A - 1A कितना आ जाएगा, 0.5A, 4.5B - 3B कितना आ जाएगा, 1.5B, आसान है, क्लियर है, चलिए तो कट कर दो यहां से, कितनी बार आ जाएगा, 1 और 3, 1 और 3, तो यहां से A अपॉन B निकाल लो, तो A किससे गुणा है, 1 से, B किससे गुणा है, 3 से, चलो पहले वर्क निकाल लेते हैं, तो 1 into A कितना आ जाएगा, 3, 4.5 into B कितना आ जाएगा, 4.5, ठीक है, तो कितना आ गया यहां पर, 7.5, काम कितना आ गया, 7.5, किससे करवाना है, A और B से मिलाकर करवाना है, मिलाकर, तो काम कितना है, 7.5, ठीक है, A और B की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 1 4, अच्छा 7.5 क्या होता है, 15 का आधा होता है मेरे ख्याल से, और बटे 4, 4 दुनी 8, तो आंसर आ जाएगा 15/8 दिन। पूछा गया है दोनों मिलकर कितने में करेंगे, ठीक है, दोनों मिलकर पूछा गया है बेटा, तुम लोग इंडिविजुअल निकालने बैठ गए हो, क्या पूछा गया है,
इन हाउ मेनी डेज दे बोथ कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाक से, फटाफट करते जाओ। क्वेश्चन है, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का जो है वो किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकता है। तो पूछा गया है कि दो आदमी और आठ औरतों के साथ कितने लड़के मदद के लिए लगाए जाएं जिससे काम दो दिन में ही समाप्त हो जाए, जिससे काम दो दिन में ही समाप्त हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का। ठीक है, तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्क, वर्क कितना हो जाएगा बताओ, 60। ठीक है, चलो वर्क कितना हो गया आपका यहाँ से, 60। 20 से भाग दिया कितना आ गया, 3। 30 से भाग कर दो कितना आ गया, 2। 60 से भाग कर दो कितना आ गया, 1। तो ये बन गई आपकी एफिशिएंसी। क्या बन गई, एफिशिएंसी। ठीक है, अब सुनो, कहा गया हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 2 मेन एंड 8 वीमेन। क्या कहा गया है, 2 मेन और 8 वीमेन के साथ कहता है कितने लड़के लगा दिए जाएं, मान लो नहीं पता है, अननोन है, कितने लड़के लगा दिए जाएं, ठीक है, जिससे काम कितने दिन में हो जाए, 2 दिन में ही काम खत्म हो जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, काम है कितना, काम तो 60 है, अगर 60 काम को 2 दिन में करवाना है, ठीक है, तो पर डे कितना काम करवाना पड़ेगा, 30। अगर पर डे 30 काम करवाना है, मतलब पर डे की एफिशिएंसी कितनी चाहिए, 30 चाहिए, एनी हाउ 30 चाहिए। सुनो, ये दो आदमी और आठ औरतें देखते हैं इनकी एफिशिएंसी कितनी है, फिर बुला लेंगे लड़के। एक आदमी की एफिशिएंसी 3 आ रही है, अगर एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है तो दो आदमी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, एक औरत की एफिशिएंसी 2 है तो 8 औरतों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 8 दुनी 16 होगी, तो 16 और 6 कितना हो गया, 22। मतलब जो लोग पहले से हैं वो खुद ही 22 एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, तो एफिशिएंसी की नीड कितनी बची, 8 बची, चाहिए थी 30, ये लोग 22 खुद ही कर दे रहे हैं, तो बचा कितना, 8। इस 8 के लिए आपको लड़के बुलाने की छूट है। ठीक है, कोई भी एक लड़का, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो 8 के लिए कितने चाहिए, 8 बटे 1 कितने चाहिए, 8 चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो बॉयज है वो कितने चाहिए बताओ, 8। आपको पर डे एफिशिएंसी जो नीडेड है वो 8 है, एक लड़का आएगा, एक काम करेगा, 8 आएंगे, 8 काम करेंगे, कहानी खत्म। सबको क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दो, पर डे एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी जो है वो 30 की चाहिए थी, 22 तो खुद ही हो जा रही है, तो बची कितनी है, 8। एक करेगा एक काम, 8 करेंगे 8 काम। चलो नेक्स्ट पढ़ो, जल्दी बताओ, लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 3, 4, 12 दिन में कर देते हैं, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 3 दिन 4 दिन और 12 दिन में कर देते हैं, 3 दिन 4 दिन और 12 दिन में कर देते हैं, ये क्या होता है आपका डेज। तो वर्क कितना मान लोगे, वर्क मान लोगे 12। ठीक है, तो 12 को 3 से भाग कर दो कितना आ गया, 4। 4 से भाग कर दो 3 आ गया, 12 से भाग कर दो 1 आ गया, ये क्या आ गया आपका, एफिशिएंसी। ठीक है, पूछा गया एक आदमी, एक औरत के साथ कितने लड़के काम पे लगाए जाए, काम 1/4 दिन में ही हो जाए। तो एक आदमी, एक औरत के साथ, ठीक है, कितने लड़के लगाए जाएं, मतलब अननोन है, चाहे स्टार बना दो, अननोन कर दो, जिससे काम 1/4 दिन में ही हो जाए, 1/4 दिन में। ठीक है, चलो बताओ पूरा काम कितना है, 12, करवाना कितने में है, 1/4 दिन में, तो 12 चौक कितना, 48। तो पर डे एफिशिएंसी जो नीडेड है वो कितनी है, 48। कितनी नीडेड है, 48। ठीक है, अब सुनो, अगर पर डे एफिशिएंसी नीडेड है 48, तो ये लोग कितना कर दे रहे हैं वो निकाल लेते हैं। ठीक है, बताओ एक आदमी, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4, वो 4 ही करेगा, एक औरत की एफिशिएंसी 3 है, वो 3 ही कर पाएगी, 4 और 3 कितना, 7, चाहिए था 48, ये लोग 7 कर पा रहे हैं, तो कितना बचा बताओ, 41। तो 41 एफिशिएंसी और नीडेड है, कितनी नीडेड है, 41 नीडेड है। ठीक है, तो क्या करोगे, कैसे करोगे, देखो ध्यान से, अगर 41 एफिशिएंसी नीडेड है,
एक लड़का कितना काम करेगा, एक करेगा, तो 41 के लिए कितने चाहिए बताओ, 41 लड़के चाहिए। ठीक है, तो जो अननोन है यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 41। बात समझ में आ रही है? चलो वेरी गुड, अगर क्लियर है तो फटाफट यस सर लिखते जाओ भाई, अगर क्लियर है तो फटाफट यस सर लिखते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाक सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, 30 सेकंड का टाइम है। ठीक है चलिए, कितने बच्चों को ब्रेक चाहिए एक बार कमेंट कर दो, क्योंकि ढाई घंटे की क्लास है तो 4-5 मिनट का ब्रेक आपको दिया जाएगा बीच में। सभी लोग फटाफट कमेंट कर दें, क्या 5 मिनट का ब्रेक दिया जाए, उसके बाद पढ़ते हैं आगे, क्यों लगातार ढाई घंटे बैठना वो आपके लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं अभी 4-5 मिनट के बाद। ठीक है, 5 मिनट के बाद मिलेंगे हम लोग, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। ठीक है चलिए, बाय बाय, मिलते हैं 5 मिनट में। सुनिए बेटा, सेशन जो है ढाई घंटे का है टोटल। ठीक है,
चलिए बच्चों स्टार्ट किया जाए। सभी लोग स्टार्ट किया जाए, कमेंट कर दो। ओके चलिए, क्वेश्चन कहता है ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज मोर देन बी एंड 9 डेज मोर देन सी। ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन द सेम टाइम इन विच सी कैन डू इट, देन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू इट। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन कहता है कि ए जो है वो 5 दिन क्या करता होता है, ज्यादा लेता है, 5 डेज मोर देन बी और 9 डेज मोर देन सी। अच्छा, ए और बी उतना ही समय लेंगे जितना सी लेगा। अब देखो ध्यान से एक बात यहां पर, ठीक है चलिए। तो मैं यहां ए लिख दिया और यहां क्या लिखा बताओ, बी लिख दिया और यहां क्या बताओ, सी। ए जो है 5 दिन ज्यादा लेता है बी से, ए जो है 5 दिन ज्यादा लेता है बी से और 9 दिन ज्यादा लेता है सी से, 9 दिन ज्यादा लेता है सी से। तो मान लो सी लेता है एक्स दिन, मान लो सी लेता है एक्स दिन, तो ए कितना लेगा, एक्स प्लस 9 लेगा, एक्स प्लस 9 ले लेगा, हाँ है ना। और बी कितना लेगा, वो एक्स प्लस 4 ले लेगा, देख सकते हो एक्स प्लस 4 प्लस 5 तो एक्स प्लस 9 हो जाएगा, हाँ है ना। ठीक है, चलिए तो x प्लस 9 हो गया और ये 5 हो गया, तो x प्लस 4 आपका हो गया। सिंपल है, क्लियर है, आसान है। चलिए अब देखो ध्यान से आगे बात क्या होगी, आगे पढ़ो। a एंड b कैन कंप्लीट द वर्क इन द सेम टाइम इन विच c कैन डू इट। क्वेश्चन कहता है a और b को उतना ही समय लेगा जितना किसको लगेगा, c को समय लगेगा। ठीक है, तो बताओ c को कितना समय लगा है, c को लगा है x डे, तो a और b को भी क्या लगेगा, a और b को भी लगेगा x डे। अब सुनो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया ये, कैसे देखो मैं यहां पे एक बार डेटा आपके लिख देता हूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ए और बी काम करता है एक्स दिन में मिलके, ए काम करता है एक्स प्लस 9 डेज में, मतलब 9 दिन ज्यादा, और बी जो है वो कितना लेता है बताओ, वो लेता है एक्स प्लस 4 डे। ठीक है, इसको देखकर क्या आपको कोई केस याद आया, ए और बी अगर एक्स में करते हैं, ए करता है x प्लस 9 में, b करता है x प्लस 4 में, इसको देख कुछ याद आया, मैं आपको दिखाता हूं कहां से याद आएगा। इस टाइप क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये देखो a और b x है, a x प्लस 32 है, b x प्लस 8 है, तो x कैसे आता था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेते थे, याद आया, ठीक है। चलो तो यहां से अगर मुझे x निकालना है तो मैं क्या करूंगा, रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 9 × 4, 9 × 4 = 36, तो रूट ऑफ क्या लिखूंगा, 36, आंसर क्या आ जाएगा, 6 डे। बात समझ में आ रही है, तो x का मान कितना हो गया 6। अच्छा अगर x का मान 6 है तो c करेगा 6 दिन में, 6 + 4 ये करेगा 10 दिन में और 9 + 6 ये करेगा 15 दिन में। बट पूछा क्या गया है, a का पूछा गया है, तो a कितने दिन में काम करेगा बताओ, 15 दिन में काम कर देगा। सबको क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और लगाओ। टू मैन कैन मेक अ वॉल इन 15 and 20 hours respectively, ठीक है। दो आदमी जो है वो किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, बट वैन वर्क टूगेदर देन पुट 280 bricks पर आर लेस, लेकिन जब मिलके काम करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, तो दीवार में कुल कितनी ईंटें थी। वो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखो, ए जो है उस दीवार को अकेले 15 घंटे में बना सकता है और बी जो है उस दीवार को अकेले 20 घंटे में बना सकता है, ये क्या हो गए आर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एज्यूम कर लो यहां पर, कितना एज्यूम कर लें, 60। चलो तो हम लोगों ने वर्क एज्यूम कर लिया 60, ठीक है चलो सॉल्व कर दो। 60 को 15 से भाग दिया 4, 20 से भाग दिया 3, ये क्या हो गई आपकी एफिशियंसी, आ गई एफिशिएंसी, ठीक है। आगे पढ़ो,
कहता लेकिन जब वो मिलके काम करते हैं तो हर घंटे 280 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं, हर घंटे 280 ईंट कम लगाते हैं, जिसकी वजह से दीवार जो है 12 घंटे में तैयार होती है। अच्छा बताओ, अगर ए और बी की रियल एफिशिएंसी यहां से चेक किया जाए, ए और बी की रियल एफिशिएंसी तो कितनी आ जाएगी, 4 और 3 कितना बताओ, 7। ए और बी की रियल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बताओ, यहां से 7 आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सुनो ध्यान से क्या कहानी आगे बन रही है। तो कहानी आगे बन रही है कि ए और बी की टोटल एफिशिएंसी तो 7 है, वास्तव में 7 है, लेकिन कहता है जब वो लोग ईंटे कम लगाते हैं, मतलब कम एफिशिएंसी यूज करते हैं, तो दीवार 12 घंटे में बनती है, तो वर्क 60 है, ठीक है, और 12 घंटे में हो जाता है, तो मतलब एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 5। ध्यान सुनना, रियल एफिशिएंसी तो 7 की है, बट वो लोग कम काम कर रहे हैं इसीलिए एफिशिएंसी 5 आ रही है। तो बताओ एफिशिएंसी कितनी डाउन हुई, आप कहोगे 2 डाउन हुई, यहां पर 7 है यहां पर 5 है, तो एफिशिएंसी कितनी डाउन हुई, 2 डाउन हुई, ठीक है, यहां पर एफिशिएंसी 2 डाउन हुई और यहां पर जो रियल एफिशिएंसी है वो कितनी डाउन हुई है, 280 ईंट प्रति घंटे। तो 2 का मान कितना आ गया, 280, तो 1 का मान क्या आ गया, 140। अगर 1 का मान 140 है तो पूरा काम कितना है, 60, तो 60 × 140, 14 × 6 कितना बताओ, 8400। तो पूरा काम कितना है, 8400, इसका मतलब ईंटें कितनी है, 8400, क्योंकि ईंट लगाना ही काम था। बात समझ गए, बताओ एक्चुअल एफिशिएंसी तो 7 की है, बट वो लोग 12 घंटे में कर पा रहे हैं, मतलब एफिशिएंसी 5 आ रही है, 2 एफिशिएंसी कम आ रही है, 2 का मान 280, 1 का मान 140, तो 60 का मान 8400, 8400। अगर क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग पढ़ो फटाफट। वन मैन, 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रेन कैन कंप्लीट वर्क इन 96 आवर्स। 2 मैन एंड 8 चिल्ड्रेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 80 आवर्स। बच्चों, 2 men and 3 children can complete the same work in 120 hours. Then how many days 10 men and 5 women can complete the same work working together? चलो देखो कैसे लगाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 man, 3 women, 4 children. देखो इधर 1 man, 3 women और क्या बताओ, 4 children. ये तीनों मिलके उस काम को कितने में करते हैं, 96 hours में। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है 96 hours। 2 आदमी और 8 बच्चे मिलकर करते हैं 80 घंटे में, तो बताओ 1 आदमी और 4 बच्चे मिलकर कितने में करेंगे। ध्यान सुनना, 2 आदमी हैं, 8 बच्चे हैं, करते हैं 80 घंटे में, तो मैंने इसका आधा कर दिया, तो 1 आदमी और 4 बच्चे कितने में करेंगे। सुनो, एफिशिएंसी आधी होती है तो टाइम डबल हो जाता है, टाइम क्या हो जाता है, डबल, तो 80 घंटे का डबल कितना हो जाएगा, 160 घंटे। 80 का डबल क्या हो जाएगा, 160 घंटे। सिंपल है, अच्छा आगे बढ़ो। 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर उसको 120 घंटे में करते हैं, तो 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर उसको 120 घंटे में करते हैं, ये डेटा दिया गया है, ठीक है। चले अब आगे बढ़ते बच्चों, यहां पर लास्ट पूछा गया 10 आदमी और 5 औरतें मिलकर कितने में करेंगे, 10 आदमी 5 औरतें मिलकर कितने में करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मान लो 480 काम है, एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड करो फटाफट, एफिशिएंसी निकल आएगी, 96 से 5 बार, 160 से 3 बार, 120 से 4 बार, ये क्या हो गई, एफिशिएंसी। अभी देखते जाओ यहां से क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। अच्छा बताओ, 1 आदमी और 4 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है, 1 आदमी और 4 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। यहां भी दिया गया है 1 आदमी और 4 बच्चे, देखो 1 आदमी और 4 बच्चे, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, अरे इनकी एफिशिएंसी 3 है, तो अगर इनकी एफिशिएंसी 3 है तो 3 औरतों की एफिशिएंसी कितनी बची, 2, क्योंकि 3 + 2 तभी तो 5 होगा, ठीक है। तो आप यहां से करेंगे कि 3 औरतों की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, 2। बात समझ आ रही, फिर देख लो 1 आदमी और 4 बच्चों की एफिशिएंसी जोड़कर 3 है, 3 में क्या जोड़े, 5 आ जाए, अरे 2 जोड़ दो, तो 3 औरतों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। अच्छा अगर 3 औरतों की एफिशिएंसी 2 है, बताओ 2 में क्या जोड़ू, 4 आ जाएगा, अरे 2 जोड़ दो,
तो इसका मतलब आप कहोगे कि दो आदमियों की एफिशिएंसी कितनी है बताओ, दो है, बात क्लियर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, देखो अगर तीन औरतों की एफिशिएंसी दो है तो एक औरत की एफिशिएंसी कितनी होगी, दो बटे तीन, एक औरत एफिशिएंसी कितनी होगी, दो बटे तीन। दो आदमियों की दो है तो एक आदमी कितनी होगी, एक होगी। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ये लोग मिलकर कितने में करेंगे तो काम कितना है 480, काम कितना है 480, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन क्या आएगा एफिशिएंसी, कितने आदमी हैं 10 आदमी, एक आदमी एफिशिएंसी एक है तो 10 आदमी की एफिशिएंसी 10 आ जाएगी। एक औरत की एफिशिएंसी 2 बटे 3 है, पांच औरतों की 5 गुना 2 कितना 10 बटे 3 आ जाएगी। भाई एक की इतनी है तो 5 की 5 से गुणा कर सकते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आप लिखोगे 480 बटे 10 दिया 30 10 40 तो 40/3, तो इसको रिवर्स कर दो, ठीक है। तो 40 से कितना आएगा 12 बार जाएगा, रिवर्स होके 12 3 36 आ जाएगा, तो कितने में करेंगे 36 दिन में। क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लगता है बट होता आसान है ये वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आकाश सिंह वेलकम बेटा, वेलकम, सबको क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए भाई। एक आदमी और चार बच्चों की एफिशिएंसी तीन है, उसमें दो जोड़ेंगे तभी पांच आएगा, तीन औरतों की दो है तो दो आदमी की दो बचेगी, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए, सोचिए, बताइए। क्वेश्चन है PQR तीन टाइपिस्ट हैं, जानते हो ना टाइपिंग जो करते हैं, ठीक है, जब वो एक साथ टाइप करते हैं तो 216 पेज टाइप कर देते हैं 4 घंटे में, मतलब PQR जो है तीनों मिलकर 216 पेज 4 घंटे में टाइप कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर PQR तीनों मिलकर 216 पेज, ठीक है, 4 घंटे में टाइप कर देते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 4×5=20, 116 454, इसका मतलब उनकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 54 है। अरे वर्क अपॉन टाइम क्या आ जाता है एफिशिएंसी, ठीक है, तो वर्क 216 पेज काम करवाया था, 4 घंटे में कर दिया। आगे बढ़ते हैं, इन वन आर आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन क्यू एज क्यू कैन टाइप मोर देन पी, तो यहां पी लिखा, यहां क्यू लिखा, यहां आर लिखा। इन वन आर एक घंटे में, एक घंटे में जितना काम करते हो वास्तव में क्या होती है वो आपकी एफिशिएंसी होती है, वो क्या होती है एफिशिएंसी होती है, इस बात ध्यान रखना। अच्छा क्या गया, हर घंटे आर जो है क्यू से जितना ज्यादा है, क्यू जो है पी से उतना ही ज्यादा है, इसका मतलब क्यू जो है पी और आर के बीच में आएगा। भाई आर जो है क्यू से जितना ज्यादा है, क्यू जो है पी से उतना ही ज्यादा है, ठीक है, ये भी समझ गए हम लोग। आगे पढ़ो, आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 5 आवर्स एज पी इन 7 आवर्स, आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 5 आवर्स एज पी इन 7 आवर्स, पी इन क्या बताओ 7 आवर्स, ये भी दिया गया है, ठीक है। तो पूछा गया हाउ मेनी पेजेज ईच ऑफ देम टाइप पर आर, प्रत्येक कितना पेज टाइप करता है, बहुत आसान। तो यहां से आप पहले निकाल लो पी अपॉन आर, इस कंडीशन से पी गुना है 7 से उसे यहां लिखो, आर गुना है 5 से उसे यहां लिखो। तो पी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, आर की एफिशिएंसी 7 है, पी की एफिशिएंसी 5 है आर की 7 है, तो अगर पी की एफिशिएंसी 5 है आर की 7 है तो पक्का क्यू की क्या होगी, अरे क्यू जो है पी से जितना ज्यादा है, आर जो है क्यू से उतना ज्यादा, तो मैंने पहले बता दिया था कि क्यू जो है पी और आर के बीच में आएगा, तो 7 और 5 12 बटे 2 कितना आ गया 6। अब देखो चेक कर लो 6 5 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 7 जो है 6 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, कंडीशन सेटिस्फाइड। बताओ एफिशिएंसी का रेशियो 5:6:7 है, ध्यान सुनना, एफिशिएंसी का रेशियो 5:6:7 है और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 54 है, जोड़ लो 6 5 11 7 कितना 18, तो 18 रेशियो का मान 54 है, तो 1 रेशियो का मान 3 होगा, अगर 1 का मान 3 है तो 5 तिया कितना होगा 15 होगा, 1 का मान 3 है 6 तिया 18 होगा, और 1 का मान 3 है तो 7 तिया 21 होगा, हो गया आंसर क्या आ गया 15 18 और क्या बताओ 21। कहता हर घंटे कितना टाइप करते हैं मतलब उनकी एफिशिएंसी, खत्म। तो देखने में ये सब थोड़े खतरनाक क्वेश्चन है, होते कुछ नहीं है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तब। समझ में आ गया है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए भाई सभी लोग,
अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करते जाइए। ठीक है, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जब कल सुबह फिर 9 बजे क्लास होगी, कल भी आप लोगों के लिए क्लास है इसी टाइप की, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, तब कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जितने लोग भी लाइव हैं इसको होमवर्क दे रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और लगाना और बताना, या जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना एक बार, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आपके लास्ट टू लास्ट ईयर, 2-3 साल पहले आया हुआ एग्जाम में, ठीक है, जब री एग्जाम हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो आगे पढ़ो, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ो। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, तो लिख देता हूं ए और बी है, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, काम कितना मान लें 30, वर्क कितना मान लिया आपने 30, और ये क्या है बताओ आपका डे, तो डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा वर्क पर डे, 30 को 10 से भाग दिया 3, 15 से भाग दिया 2, ये क्या हो गया एफिशिएंसी, या क्या बताओ वर्क पर डे। आसान है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क फॉर एन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग विद ए, वो अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं, ए ने काम को स्टार्ट किया है, तो बताओ फर्स्ट डे कौन आएगा, ए आएगा, और फिर कौन आएगा बताओ बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, तो यहां पर फर्स्ट डे या सेकेंड डे मतलब टोटल दिन कितने हो गए, टोटल दिन हो गए 2, तो 2 दिन में कितना काम हो गया, अरे ए पर डे करता है 3 काम, तो ए जो है पर डे कितना काम किया होगा 3 काम, बी पर डे करता है 2 काम, तो यहां हो गया 2 काम। सुन लो तरीका ध्यान से, ठीक है, तो 3 और 2 जोड़ लो, तो 3 और 2 जोड़कर कितना आ गया बताओ 5 काम, ध्यान सुनना, 3 और 2 जोड़कर कितना आ गया 5 काम। अच्छा 5 काम हो रहा है कितने दिन के अंदर, जल्दी बताओ 2 दिन के अंदर, मतलब हर 2 दिन पर 5 काम होता रहेगा, तो आप क्या करोगे जो पूरा काम था उसको इससे डिवाइड कर दो 5 से, ठीक है। अच्छा ये पूरा एक सेट है, 2 दिन का एक सेट है जिसमें 5 काम हो रहा है, ठीक है, तो आप 30 को 5 से भाग करो, बताओ कितने सेट बन जाएंगे, ऐसे ऐसे बन जाएंगे 6 सेट, अरे 5 काम बना है एक सेट में, 30 में आपने 5 से भाग दिया तो ऐसे 6 सेट बन जाएंगे पक्का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आसानी से चेक करना है बस, एक सेट में हो रहा है 5 काम, तो 6 सेट में कितना हो जाएगा, 6 गुना 5 कितना हो गया बताओ 30 काम, ठीक है। अच्छा एक सेट में लग जा रहे हैं 2 दिन, क्योंकि एक दिन यहां एक दिन यहां, तो एक सेट में 2 दिन, तो 6 सेट में 6 गुना 2 कितना आ गया बताओ 12 दिन, तो 12 दिन में कितना काम हो गया 30 काम हो गया, वही करवाना था, तो आपका आंसर सिंपल सा आ गया 12 डे। जब भी अल्टरनेट डे क्वेश्चन आएगा आप इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे, जो काम रिपीट हो रहा है ठीक है उसको यूज कर लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, हर 2 दिन पर ये 5 काम रिपीट होता रहेगा, तो ऐसे 5 काम 6 सेट बनेंगे, हर सेट में 2 दिन, तो 6 सेट में 12 दिन, इसको बोलते हैं अल्टरनेट डे वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में करते हैं, ठीक है, कहता है काम कितने दिन में खत्म होगा अगर वो अल्टरनेट डे काम करें और बी काम को स्टार्ट करे, बी काम को स्टार्ट करे, चलो देखते हैं। ए जो है किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर देता है, वर्क कितना मान लेंगे 36, ठीक, डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा वर्क पर डे या एफिशिएंसी, 9 से भाग किया 4, 12 से भाग किया 3, काम किसने स्टार्ट किया है बी ने, तो फर्स्ट डे कौन आएगा बी आएगा, और फिर कौन आएगा ए आएगा, फिर बी फिर ए, ऐसे आते रहेंगे। बी पर डे कितना काम करता है 3 काम, और ए पर डे कितना करता है 4 काम, तो 4 और 3 मिलाकर कितना हो गया 7 काम, और यहां पर 1 और 1 मिलाकर क्या हो गया 2 दिन, कितना हो गया 2 दिन, तो 7 काम हो रहा है कितने दिन में बताओ, 2 दिन में हो रहा है, 2 दिन में 7 काम हो जा रहा है, सबको क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा क्या करोगे, पूरा काम कितना है 36, ध्यान सुनना पूरा काम कितना है 36, मैंने समझाया तो जो सेट बनेगा उससे डिवाइड करना, क्या इसमें पूरा डिवाइड जा रहा है, नहीं पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है,
अगर पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है तो मैक्सिमम चेक करो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 7 × 5 = 35, मैक्सिमम 5 बार जाएगा, मतलब 5 सेट बन जाएंगे। कितने सेट बन जाएंगे? 5 सेट बन जाएंगे आपके, पक्की बात, ठीक है। एक सेट में 7 काम, तो 5 सेट में 7 × 5 कितना हो जाएगा बताओ? 35 काम। एक सेट में 7 काम, तो 5 सेट में 35 काम। एक सेट में 2 दिन, तो 5 सेट में 5 × 2 कितना आ गया बताओ? 10 दिन। कितना हो गया बताओ? 10 दिन। तो 10 दिन में कितना काम हो गया बोलो? 35 काम हो गया। ध्यान सुनना, 10 दिन बीत चुके हैं, 35 काम हो चुका है। अगर 35 काम हो गया तो कितना काम बाकी है? एक काम बाकी है। 10 दिन बीत चुके हैं, अभी भी एक काम बाकी है, तो नेक्स्ट डे कौन आएगा? नेक्स्ट डे बी आएगा, और बी पर डे कितना काम करता है? 3 काम। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डिवाइड बाई एफिशियंसी। तो काम बाकी है 1, बी की एफिशियंसी 3 है, तो बी 1/3 day में कर देगा, तो 1/3 day और लगेगा, तो 10 + 1/3 day, तो आंसर हो जाएगा 10 सही 1/3, क्या बताओ? दिन। मतलब जहां तक सेट बनता है उसको सेट से चेक करेंगे, बाकी मैनुअल चेक कर लेंगे कि कितना बचा है, कौन करेगा। तो स्टार्ट अगर बी किया है तो बाद में बी ही करेगा, सेट बनने के बाद स्टार्टिंग बी ही आएगा। सबको क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए और सीखते जाइए, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन एक बार सब लोग पढ़ लो ध्यान से, क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, 2.5 घंटे की क्लास है, 9 से 11:30, अभी आपके पास 34 मिनट बाकी हैं, पढ़ते जाइए सीखते जाइए। कहता है ए जो है बी से 50% ज्यादा एफिशिएंट है, और बी जो है बी इज 25% लेस एफिशिएंट दे सी, ठीक है। बी जो है सी से 25% कम एफिशिएंट है, ठीक है। आगे पढ़ो, अगर सी जो है किसी काम को 30 दिन में करता है, तो पूछा गया है कि ए और बी मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे। चलो देखते हैं, यहां लिखा ए, यहां लिखा बी, और यहां लिखा सी। ए जो है बी से 50% ज्यादा एफिशिएंट है, 50% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 1/2, ठीक है। अच्छा, बी जो है सी से 25% कम एफिशिएंट है, तो 25% क्या होता है? 1/4, ठीक है। सी जो है किसी काम को अगर 30 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर कितने में करेंगे, ठीक है। चलिए सोचते हैं तो कैसे करना है, देखो ये 2 है ये 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2, यहां पे क्या निकाल लें हम लोग? एफिशिएंसी, ठीक है। 4 × 2 कितना आ गया? 8। मान लिया सी की एफिशिएंसी 8 है, ध्यान सुनना, सी की एफिशिएंसी 8 है, बताओ 8 का 1/4 क्या होगा? 2, तो 2 कम कर दो कितना आ गया? 6, कितना आ गया? 6। चलो 6 का 1/2 कितना होगा? 3, तो 3 जोड़ दो कितना आ गया? 9। तो ए बी सी की जो एफिशिएंसी थी वो कितनी आ गई? 9, 6 और 8। आगे पढ़ो, सी जो है उस काम को 30 दिन में कर देगा, सी उस काम को 30 दिन में कर देगा, तो आपको क्या निकालना है? वर्क। अच्छा, वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू क्या बताओ? एफिशिएंसी, ठीक है। बताओ सी की एफिशिएंसी कितनी है? 8 है, तो एफिशिएंसी कितनी? 8 है, और कितने में कर दिया है? 30 दिन में, तो 30 × 8, तो काम था इसका मतलब कितना? 240। काम कितना था बोलो? 240। किससे करवाना है? ए और बी से मिलाकर करवाना है, ए और बी से मिलाकर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डिवाइड बाई एफिशियंसी, तो 9 और 6 जोड़ लो कितना आ गया? 15, तो यहां आ गया 15, 240 × 15 क्या आएगा? 16 दिन। कितना आ गया बताइए? 16 दिन। क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए फटाफट, बताने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, मतलब ए जो है बी से 3 गुना एफिशिएंट है, जिसकी वजह से किसी काम को करने में वो बी से 80 दिन कम लेता है। तो ये पूछा गया है कि दोनों मिलकर वो काम कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं,
ए है और क्या बताओ बी है। तो पहले बात करेंगे एफिशिएंसी की और फिर यहां बात करेंगे टाइम की। क्वेश्चन कहता है ए जो है बी से 3 गुना एफिशिएंट है, तो इसका मतलब ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या बनेगा, 3:1। ए जो है बी से 3 गुना एफिशिएंट है, सही है। अच्छा अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, एफिशिएंसी और टाइम आपस में क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। जब आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो आपको समय कम लगेगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है तो बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा, 1:3, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। आगे पढ़ो क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन कहता है जिसकी वजह से वो 20 से 80 दिन कम लेता है, बताओ 20 से यहां कितने रेशियो कम है, एक जो है 3 से कितना कम, 2, और 2 का मान कितना है बताओ 80 दिन। अगर 2 का मान 80 दिन है तो 1 का मान क्या आएगा, 40 दिन। 1 का मान कितना आ जाएगा बताओ यहां से, 40 दिन, पक्की बात, ठीक है। अच्छा 1 का मान आ गया 40 दिन, पूछा गया फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर, ठीक है। अच्छा सुनो, 1 का मान 40 दिन है तो 1 का मान कितना आ गया, 40 दिन, ठीक। हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं वर्क, ध्यान सुनना वर्क, बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 और ए का टाइम कितना है 40, तो मल्टीप्लाई कर दो 40 × 3 कितना आ गया 120। पढ़ा चुका हूं एफिशिएंसी इनटू टाइम से वर्क आता है, पक्का, ठीक है। पूछा गया दोनों मिलकर कितने में करेंगे, ए और बी मिलकर वो काम कितने में करेंगे, ठीक है। बताओ काम कितना है, काम तो 120 है। ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, जोड़ लो 3 और 1 कितनी आ गई 4, तो कितने में करेंगे बताओ, 30 दिन में कर देंगे। क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है। एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो वर्क आ गया, जो आपका वर्क आ गया, पूछा गया ए और बी मिल कितने में करेंगे। बात क्लियर है, कंफर्म है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट और बताने का प्रयास करो, सभी लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे डज होगा, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, मतलब ए जो है बी से आधा काम करता है, ठीक है, और उसके द्वारा लिए गए समय का 3/4 समय लेता है, काम आधा करता है, समय 3/4 लेता है। कहता है अगर दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर देते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। चलो फटाफट देखते हैं क्योंकि पूरा टॉपिक करना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहां बताया है वर्क, यहां लिखेंगे टाइम, यहां अपने आप एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। सुनो, ए जो है बी से आधा काम करता है, तो लिख दिया भाई आधा काम करता है, मतलब ये 2 करता है तो उसका आधा 1 करता है। समय 3/4 लेता है, तो अगर ये 4 लेता है तो उसका 3/4 कितना हो जाएगा, 3, ये 3 लेता है, समझ गए ना। अच्छा हमेशा एक बात ध्यान रखना, एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अरे आपको क्या पढ़ाया था, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये मेन फॉर्मूला तब से यूज करते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको एफिशिएंसी निकालना हो तो टाइम भाग जाएगा यहां पर, ठीक है। मतलब वर्क को जब भी आप टाइम से डिवाइड कर दोगे आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो ये वर्क है, ये टाइम है, डिवाइड कर दो तो ये 1/3 आ गया और ये 2/4 आ गया, ठीक है। चलो तो 4 × 3 कितना एलसीएम, 12 आ गया, 3 से 4 तो हो गया 4, 4 से 3, 3 × 2 = 6। तो आपको ए और बी की एफिशिएंसी मिल चुकी है, आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बट ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी मिल चुकी है। तो सबसे पहला काम करो वर्क निकाल लो, वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। अच्छा बताओ ए और बी की टोटल, यहां पर दिया गया देखो, इफ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट अ वर्क, मतलब एक साथ मिलकर वो 18 दिन में कर देंगे, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 6 = 10, ठीक है। तो वर्क कितना हो गया 180, वर्क कितना आ गया 180, करवाना किससे बताओ, बी से, तो बी का टाइम निकालना है, काम कितना है 180, काम कितना है 180, और बी का यहां पर एफिशिएंसी कितनी है 6, कितना आ जाएगा यहां पर 30, क्या बताओ, डेज। क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दो, ए जो है बी से आधा काम करता है और उसके द्वारा लिए गए समय का 3/4 समय लेता है, अगर ये 4 लेता है तो इसका 3/4 निकालोगे 3 ही आएगा।
वर्क अपॉन टाइम कर दो, एफिशिएंसी आ गई, टोटल एफिशिएंसी 10 है, 4 और 6 कितना आ गया यहाँ पर, 10 आ गया टोटल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनटू टाइम से वर्क आ गया, करवाना किससे है, बी से, बी की एफिशिएंसी 6 है, काम 180 है, 30 दिन में करेगा। क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए अगर क्लियर है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी पढ़िए। क्वेश्चन है ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड सी टुगेदर टेक टू कंप्लीट इट, मतलब ए जो है वो बी और सी के द्वारा लिए गए समय से दूना समय लेता है, ठीक है। बी जो है वो ए और सी के द्वारा लिए गए समय से तीन गुना समय लेता है, और कहा गया है अगर एक साथ मिलकर वे किसी काम को 36 दिन में करते हैं तो ए अकेला कितने में करेगा, बी अकेला कितने में करेगा और सी अकेला कितने में करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, समझते हैं, सुनना। क्वेश्चन कहता है ए लिखा मैंने यहां पर और यहां लिखा बी प्लस सी, ठीक है, ध्यान सुनना, यहां लिखा बी और यहां लिखा सी प्लस ए, ठीक है, एकदम ध्यान सुनते जाओ। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड सी टुगेदर टेक टू कंप्लीट इट, मतलब टाइम की बात हो रही है, ए जो है बी और सी से दूना समय लेता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। अगर टाइम का रेशियो 2:1 है तो बताओ एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशियो होगा 1:2, बोलो हाँ या ना। अगर टाइम का रेशियो 2:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, बी का टाइम का रेशियो क्या है, बी टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज ए एंड सी टुगेदर टेक टू कंप्लीट इट, तो क्या रेशियो बन जाएगा, 3:1, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या बन जाएगा, 1:3, एफिशिएंसी क्या बन जाएगा, 1:3। अच्छा एक बात सुनो, यहां पर भी टोटल ए बी और सी ही है, यहां पर भी टोटल ए बी और सी है, यहां भी टोटल ए बी सी है, बताओ यहां पर टोटल एफिशिएंसी कितनी बनी, 1 + 2 कितना आया, 3, जबकि यहां पर एफिशिएंसी कितनी बनी, 1 और 3 = 4, क्या करोगे, इनको सेम कर दो। सेम रेशियो को कैसे करते हैं, रेशियो आपको पता होगा 1 और 2 = 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 1 = 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जहां पर भी दो रेशियो का सम इक्वल करना हो तो इसके जोड़ से उसको, उसके जोड़ से इसको, मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म, ठीक है। चलो तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, बताओ यहां पर टोटल एफिशिएंसी कितनी बनेगी, 8 + 4 कितनी बनेगी, 12, यहां पर टोटल एफिशिएंसी कितनी बनेगी, 9 और 3 = 12, तो यहां भी एबीसी है, यहां भी एबीसी है, बराबर आना भी चाहिए, बराबर आ भी रहा है, 12 12, क्लियर है, बस क्वेश्चन खत्म। तो सबसे पहला स्टेप अब वर्क निकाल दो, तो वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी और इनटू टाइम, टाइम कितना दिया है 36, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, तो वर्क हो गया 12 × 36, वर्क कितना हो गया 12 × 36, अब किसका किसका निकालना है, ए कितने में करेगा, बी कितने में करेगा और सी कितने में करेगा, ठीक है, तो ए कितने में करेगा, वर्क कितना है 12 × 36, तो वर्क तो सबके लिए 12 × 36 ही लिख देता हूं, ठीक है, और यहां भी 12 × कितना बताओ 36, बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है, अरे साफ साफ दिया है 4 है तो यहां 4 लिख दो, बी की एफिशिएंसी कितनी है, साफ साफ 3 है तो यहां 3 लिख दो, सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, अरे बहुत आसान है, देखो यहां पर एबीसी जोड़कर 12 है, यहां भी एबीसी जोड़कर 12 है, तो यहां भी एबीसी जोड़कर 12 आएगा, 4 + 3 कितना हो गया 7, तो कितना बचा 5, सॉल्व कर दो, 4 कितना आ जाएगा 9, तो 12 × 9 कितना आ जाएगा 108 दिन, मतलब ए उस काम को कितने में करेगा, 108 में, 3 से कट कर दो 12, 12 × 12 क्या आएगा 144 दिन, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो 12 × 6 = 72 का 2 हाथ आया 7, 32 × 36 = 7 = 43, 432 डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई कितना होता है 5, ठीक है, डिवाइड बाई कितना होता है 5, एक मिनट, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको ऊपर नीचे अगर 2 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 4 × 2 = 8, 32 का 64, ठीक है, बटे 10 तो जाएगा 86.4, सबको क्लियर है, कंफर्म है, चलिए
सबको क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दो भाई। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, मैं हर टाइप क्वेश्चन कवर कर दे रहा हूँ। जो 2.5 घंटे क्लास है इसको करने के बाद आप टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, तो पूरा टॉपिक कवर होने वाला है, ध्यान रखिए। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। मनीष कुमार खुश रहिए बेटा, खुश रहिए, पढ़ो सब लोग ध्यान से, पहले पढ़ लो एक बार। 30 सेकंड का टाइम है पढ़ने के लिए, पढ़िए, अगर 30 सेकंड लगा सकते हैं तो लगाइए। कहता है ए और बी जो है किसी काम पर लगाए गए, ठीक है, और दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन में कर भी सकते हैं। कहता है ए जो है अगर अपनी दूनी क्षमता से काम करता और बी अपनी तिहाई क्षमता से काम करता तो वो काम 3 दिन में हो जाता। तो पूछा गया ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। ए और बी मिलके 5 दिन में करते हैं, ए दूनी क्षमता से काम करे, बी तिहाई क्षमता से काम करे, तो काम 3 दिन में हो जाएगा। तो ए अकेला कितने में करे, देखो बहुत आसान। मान लो ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, तो टोटल एफिशिएंसी हो गई ए प्लस बी, कितने में करेंगे 5 दिन में। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम से क्या आ जाता है बताओ, वर्क। तो वर्क बराबर यहां से क्या हो जाएगा, वर्क। देखते जाओ आगे बढ़ो। अगर ए अपनी दूनी क्षमता से काम करे तो क्या आ जाएगा 2A, बी अपनी तिहाई क्षमता से काम करे तो क्या हो जाएगा B/3। तो काम कितने दिन में हो जाएगा बताओ, काम हो जाएगा 3 दिन में हो जाएगा। तो यहां पर इंटू आप क्या कर दोगे 3, एफिशियंसी इंटू टाइम, खत्म। ये हो गया 5A और प्लस क्या बताओ 5B। चलो 3×2 कितना आ गया 6A, 3×3 खत्म क्या आ गया B। तो 6A-5A कितना आ गया A, 5B-B कितना आ गया 4B, ठीक है। अब यहां से आप A/B निकाल लो, तो A किससे गुणा है 1 से, इसे 1 कर दो, B किससे बताओ 4 से। तो A की एफिशिएंसी 4 है, B की एफिशिएंसी 1 है, सिंपल है। चलो तो वर्क निकाल लेते हैं, तो वर्क निकालेंगे यहां से ए प्लस बी कितना है 4+1, ठीक है, और गुना क्या आ गया होता है यहां पर 5, 4×1 5, 5×5 क्या हो गया 25। तो वर्क कितना हो गया होता है 25, किससे करवाना है ए से। तो ए कितने में करेगा, काम कितना है 25 है और ए की एफिशिएंसी 4 है, तो कितना आ जाएगा 6 सही 1/4। क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दो। कई बार क्वेश्चन कर चुके हो इस टाइप का स्टार्टिंग से, एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क, दूनी एफिशिएंसी, तिहाई एफिशिएंसी 3 दिन में तो भी वर्क। क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और लगाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और लगाइए। क्वेश्चन है 25 आदमी 18 काम को 35 दिन में करते हैं जब वो 16 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो, ठीक है। तो पूछा गया आपसे कि 32 आदमी 6 काम को कितने दिन में करेंगे जब वो 17.5 घंटे पर डे काम करते हैं तो, ठीक है। मनीष जी वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम से वर्क आता है, एफिशिएंसी टाइम से वर्क आता है, सिंप्लीफाई कर लिए एफिशिएंसी आ गई। ए और बी का मान 4 और 1 है, 4 और 1 5, 5×5 25, ये क्या आ गया आपका काम, ठीक है। करवाना किससे है, ए कितने में करेगा, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला क्या है, कैसे है, सब कुछ, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं ये वाला। 25 आदमी 18 काम को 35 दिन में करते हैं जब वो 16 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो, पूछा गया है 32 आदमी 6 काम को कितने दिन में करेंगे जब वो 17.5 घंटे पर डे काम करते हैं तो। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या बताओ, M1 D1 H1 और डिवाइड बाय क्या बताओ R1 W1, बराबर हमेशा क्या होता है M2 D2 और क्या बताओ H2 और डिवाइड बाय क्या आएगा R2 W2। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जहां पर M क्या होता है, एम मतलब मैन, विमेन, चिल्ड्रन, जो भी है जो काम कर रहे हैं वो एम है, ठीक है। डी मतलब जितने डेज वो, जितने दिन वो काम कर रहे हैं, एच मतलब जितने घंटे काम कर रहे हैं, आर मतलब जितने रुपए ले रहे हैं वेजेस, ठीक है, और डब्ल्यू मतलब जितना वो काम कर रहे हैं। सिंपल है, आसान है, ठीक है। अच्छा इसको याद करना भी बहुत आसान है, देखो ऊपर दिया है MDH, अगर आपको याद करना है तो MDH बताओ, MDH के क्या आते हैं, मसाले आते हैं, तो MDH ऊपर हो गया मतलब मसाला ऊपर हो गया,
नीचे आर और डब्ल्यू, आर मतलब रुपए, डब्ल्यू मतलब काम, वर्क। जब तक आप काम करोगे नहीं पैसा मिलने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। तो काम और पैसा नीचे है, एमडीएच मतलब मसाला ऊपर है, याद करने का तरीका है जिससे आप भूलो मत। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, जो जो दिया है पुट करते जाओ, कहानी खत्म। कितने आदमी थे? 25 आदमी थे, ठीक है। कितने दिन काम किए? 35 दिन काम किए, ठीक है। कितने घंटे काम किए? 16 घंटे काम किए। रुपए नहीं दिया है, छोड़ दो। काम कितना किए? 18 काम किए, लिख दो, ठीक है। जो नहीं दिया उसको छोड़ दो, ठीक है। चलो, मैन कितने हैं? 32। कितने दिन में करेंगे? पूछा गया है। कितना काम करेंगे? तो 6 काम, यहां हो गया 6, ठीक है। और आर्स कितने हैं? 17.5। आर्स कितने हैं? 17.5। चलो सॉल्व कर दो आराम से, ठीक है। चलो, तो 16 से हो गया कितना? 2 बार, ठीक है। 2 से काट दो कितना बताओ? 17.5। 17.5 काट दो यहाँ पूरा पूरा, ठीक है। 6 से काट दो कितना बताओ? 3। तो हो गया आपका 25, कितना बताओ? डिवाइड बाय 3, क्या बताओ? डे। तो 25/3 दिन आ गया आपका डेज। सबको क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो आंसर हो गया 25/3 दिन। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन सभी लोग फटाफट पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कहता है, एक बार पढ़ लो, 30 सेकंड का टाइम है पढ़ने के लिए, फटाफट करिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहता है, देयर इज सफिशियंट फूड फॉर 116 मैन फॉर 25 डेज, ठीक है। आफ्टर 21 डेज 100 मैन लीव द प्लेस, फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मैन। मतलब क्या है सुनो, क्वेश्चन कहता है कि 116 आदमियों के लिए 25 दिन का पर्याप्त भोजन है। 116 आदमियों के लिए 25 दिन का पर्याप्त भोजन है। 21 दिन के बाद 100 आदमियों ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो पूछा गया है, बचा हुआ खाना, बचे हुए आदमी कितने दिन खाएंगे, ठीक है। सुनो क्वेश्चन क्या है, 116 आदमियों के लिए 25 दिन का पर्याप्त भोजन है, ठीक है भाई। 21 दिन के बाद, मतलब 116 आदमी कितने दिन खाना खाए? 21 दिन खा लिए हैं, बिल्कुल, ठीक है। 21 दिन के बाद कितने लोग चले गए? 100 लोग चले गए। अरे 116 थे, 100 लोग चले गए, तो बचे कितने? 16। तो बचे कितने बताओ? 16। अब वो 16 कितने दिन खाएंगे वो आपको निकालना है, एकदम आसान चीज, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, 116 आदमी, ठीक है, 25 दिन खाते थे, 116 21 दिन का है, 100 चले गए, 16 बचे कितने खाएंगे। अब देखो, 116 गुना 25 है, 116 गुना 21 है, 25 गुने में से 21 गुना घटा दोगे तो 4 गुना आ जाएगा, तो 116 हो गया 4 गुना, बराबर ये क्या बताओ, 16 गुना क्या बताओ, D2। तो 4 से कट कर दो कितना आ गया 4, 4 से काट दो कितना बताओ 29। तो यहां से D2 बराबर क्या आ गया बताओ, 29, क्या बताइए, डेज। तो बचा हुआ खाना, बचे हुए आदमी कितने दिन खाएंगे बताओ? 29 दिन खाएंगे। सबको क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, एकदम आसान तरीके सोच सकते हो, ठीक। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, पढ़ो और सोचो। पूरा टॉपिक होने वाला है टाइम एंड वर्क, ध्यान रखिएगा इस वीडियो में, ठीक है। ये पूरी वीडियो कर लीजिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आराम से लगाइए, प्रीवियस इतने क्वेश्चन सब लगा सकते हो किसी बुक से, ठीक। चलो क्वेश्चन सब लोग पढ़ लो, हर क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, ठीक है। कहता है, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा अगर प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं तो। पढ़िए, सोचिए, बताइए। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, ठीक है। पूछा गया है, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा अगर प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ दें तो। सुनो ध्यान से, 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, बताओ काम कितना हो गया? 1600।
ये हम लोगों ने क्या मान लिया होता है, वर्क काम कितना है 1600 काम करवाना है। कहता है प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो पहले 40 आदमी थे, 10 दिन तो काम करेंगे ना, कितना काम करेंगे 400, ये क्या है वर्क। अच्छा 10 दिन बीत गया, अब कितने भाग जाएंगे, 5 भाग जाएंगे, 5 लोग चले जाएंगे। अरे 5 चले गए तो बचे 35, भाई 40 थे 5 चले गए बचे 35, वो अगले 10 दिन काम करेंगे, कितना करेंगे 350, ठीक है। 10 दिन बीत गया 5 फिर भाग जाएंगे, 30 आदमी 10 दिन काम करेंगे, कितना कर देंगे 300, काम करवाना कितना है 1600, काम होता जा रहा धीरे धीरे, बचेंगे 25 आदमी 5 भाग जाएंगे, 10 दिन काम करेंगे 250, फिर बचेंगे 20 आदमी 10 दिन काम करेंगे, कितना बताओ 200। अच्छा फिर बचेंगे 15 आदमी, अब रुको एक बार चेक कर लो कहीं ऐसा ना हो इससे ज़्यादा काम हो जाए करवाते करवाते, ठीक है इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ोगे तो 450, 750, 750 कितना आ गया 1500, मतलब 1500 काम तो हो चुका है, कितने दिन में 10, 10, 10, 10, 10 कितने दिन में 50 दिन में, 50 दिन में तो 1500 काम हो गया, एक बार 1500 हटा के देखो कितना बचा है, केवल 100 काम बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 100 काम। अगर ये 15 आदमी पूरे 10 दिन काम कर देंगे तो 150 काम हो जाएगा, अरे उतना तो काम ही नहीं करवाना है, तो काम कितना बाकी है 100, ये 15 आदमी कितने दिन में करेंगे ये निकाल लो, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 100/15, ये आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन, ठीक है इसको कट कर दो 5 से 20/3 यही आता है, तो 50 दिन यहां हो गए और 6 सही 2/3 ये हो गया, ठीक है तो आंसर हो जाएगा 56 होल, क्या बताओ 2/3 डे, तो 56 सही 2/3 दिन में पूरा काम हो जाएगा। सबको क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, पूरा काम हो जाएगा 56 सही 2/3 दिन में, 56 2/3 में, आसान है क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है अगला क्वेश्चन पढ़िए सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग बाप पढ़ लो ध्यान से क्या कहा गया है। सब लोग फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लो। अ कॉन्ट्रैक्टर टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग 12 किलोमीटर लॉन्ग टनल इन 350 डेज, ठीक है एंड एम्प्लॉयड 45 मैन एट द वर्क। एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी सुरंग 350 दिन में बनवाने का ठेका लिया और 45 आदमी काम पर लगा दिए, ठीक है कहता है 200 दिन के बाद केवल 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग ही बन पाई, तो पूछा गया है कितने एक्स्ट्रा आदमी लगा दिए जाएं जिससे काम जो है नियत समय पर समाप्त हो जाए, नियत समय पर समाप्त हो जाए। अच्छा अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था M1D1 वाला, तो इसमें क्या क्या यूज होगा, मैन हाँ है, डेज हाँ है, घंटे है नहीं, रुपए है नहीं, वर्क है, तो इसमें क्या फॉर्मूला यूज करोगे, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है चलो लगाते हैं क्या क्वेश्चन है समझो। बताओ उसने कितने आदमी काम पे लगा दिए, 45 लगा दिया 45 आदमी, कितने दिन वो लोग काम किए, 45 आदमी जो है 200 दिन काम किए, ठीक है और कितनी सुरंग बन गई, 4.5 किलोमीटर सुरंग बन गई, मतलब जो काम हो चुका है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। अब वो कहता है कितने एक्स्ट्रा आदमी लगा दे, आप कहोगे 45 पहले से हैं एक्स और लगा दो भाई, ठीक है जिससे काम क्या हो जाए नियत समय पर समाप्त हो जाए। अच्छा बताओ पूरा काम का ठेका लिया गया है 350 दिन का, 200 दिन अगर बीत चुके हैं तो बचे कितने दिन बताओ, बचे 150 दिन, तो यहां बचे कितने बताओ 150 दिन, ठीक है। अच्छा काम कितना बचा, पूरा 12 किलोमीटर लंबी सुरंग बनानी थी 4.5 ही बन पाई है, तो 12 में से हटा दो 4.5, तो काम कितना बाकी है 7.5 किलोमीटर सुरंग बनानी है, कितना बताओ 7.5, समझ में आ रहा है, बस खत्म कर दो सॉल्व कर दो, ठीक है तो 7.5 से कट कर दो कितनी बार जाएगा 20 बार, 4.5 कट कर दो 10 बार, 20 से काट दो यहाँ पर 10 बार, 10 गुना 10 कितना आ गया 100,
तो 100 बराबर क्या आ गया 45 प्लस एक्स, घटा दो यहां से कितना आ जाएगा 55, तो 55 बराबर क्या हो गया एक्स। ठीक है, पूछा गया कितने एक्स्ट्रा आदमी काम पर लगाए गए थे, तो आप कहोगे 55 एक्स्ट्रा आदमी काम पर लगाए गए थे। बात समझ में आ रही है तो फटाफट कमेंट करते जाइए सभी लोग, कहां गायब हो सबके सब, फटाफट कमेंट कर दो भाई अगर समझ में आ रहा है तो। क्लियर सबको, कंफर्म है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लो सब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए जिन्होंने 10 दिन काम किया और केवल 5/6 भाग ही काम पूरा हो पाया। ठीक है, अगले 11 दिन कोई काम नहीं हो पाया क्योंकि बारिश हो रही थी। ठीक है, और उसी बारिश में 2/5 भाग काम भी खराब हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कहता है बारिश रुकने के बाद केवल 150 आदमी ही काम पर वापस लौटे। ठीक है, 150 आदमी ही काम पर वापस लौटे, तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा। ठीक है, चलिए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, कौन सा बताओ, M1D1 और डिवाइड बाय क्या बताओ W1 बराबर, यहां से क्या आएगा M2D2 और डिवाइड बाय क्या बताओ W2। बात समझ में आ रही है, ठीक है, चलो लगाते हैं इस फॉर्मूले को, देखते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, ध्यान सब लोग सुनना एकदम। ठीक, बताओ कितने आदमी काम पे लगाए गए, तो 200 आदमी काम पर लगाए गए। ठीक है, जिन्होंने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया, और कितना काम कर दिया होता, 5/6 पार्ट कर दिया, तो 5/6 पार्ट का मतलब क्या होता है कि 6 मान लो क्या है टोटल वर्क, और जिसमें से क्या बताओ 5 क्या हो गया डन, 5 काम हो गया। ठीक है भाई, 5 काम हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर 6 में से 5 काम हो गया तो कितना काम बाकी है, एक काम बाकी है। अब सुनो, बताओ 200 आदमियों ने कितने दिन काम किया था, 200 आदमियों ने 10 दिन काम किया था, मतलब 10 दिन बीत चुके थे, फिर क्या हुआ 11 दिन तक कोई काम नहीं हो पाया क्योंकि बारिश हो रही थी, लेकिन टाइम तो बीत रहा था ना, 11 दिन और बीत गए। ठीक है, अब सुनो आगे क्या हुआ, अच्छा उसी बारिश में 2/5 भाग काम भी खराब हो गया, ध्यान सुनना, बताओ कितना काम जो है करवाया गया था, 5 काम करवाया गया था, उसका 2/5 भाग कट कर दो, मतलब कितना 2, मतलब 2 काम खराब हो गया। अच्छा अगर 2 काम खराब हो गया, ठीक है, तो क्या उस 2 काम को बाद में करवाना पड़ेगा, बिल्कुल, इसका मतलब एट लास्ट जब देखोगे तो 3 हो गया रिमेनिंग वर्क, एक तो पहले से ही था, बात समझ में आ रही है, एक तो पहले से ही था, 2 अभी खराब होके आया, उसको भी करवाओ भाई। ठीक है, अच्छा जब बारिश रुकी तो कितने आदमी काम पर आए, केवल 150 आदमी काम पर आए। ठीक है, वो कितने दिन में करेंगे निकालना है, और उनके जिम्मे काम कितना है, 3 काम है, पहले काम बचा था 1, लेकिन उस बारिश में 2 काम और खराब हो गया, उसको भी करवाओ, अब 3 काम करवाना है, सॉल्व कर दो, तो 3 से हो गया 50, 5 से काट दो कितना 2, 50 से काट दो कितना 4, 4 × 8। ठीक है, मतलब वो जो काम है वो लोग कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में कर देंगे, तो 8 दिन यहां और जोड़ दो, तो 11, 10, 21 और 8 कितना बताओ 29, तो पूरा काम जो है बच्चों कितने दिन में हुआ है बताओ, 29 दिन में हुआ है। सबको क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए अगर क्लियर है तो। सबको बात समझ में आ रही है तो फटाफट कमेंट कर दो अगर क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग पढ़ लो फटाफट, पहले सब लोग पढ़ो, 30 सेकंड का टाइम है पढ़ने के लिए, पढ़ लीजिए फिर मैं समझाता हूं। क्वेश्चन कहता है 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में कर देंगे ऐसा सोचा गया है, ऐसा सोचा गया है। ठीक है,
25 दिन के बाद पांच और आदमी काम पर लगा दिए गए, पांच और लगा दिए गए, जिसकी वजह से काम जो है एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। काम जो है एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। पूछा गया है अगर वो पांच एक्स्ट्रा आदमी ना लगाए गए होते तो काम कितने दिन डिले होता। पढ़िए सोचिए, ठीक है। चलो अब मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से। 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में करेंगे ऐसा सोचा गया है। 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में करेंगे ऐसा सोचा गया है, ठीक। 25 दिन के बाद, ध्यान रखना, अच्छा इसका मतलब 25 दिन काम हो चुका है, कुछ काम हो गया होगा, तो बचे कितने दिन बताओ, 13 दिन। अगर 25 दिन काम हो चुका है तो बचे कितने दिन बताओ, बचे हुए हैं 13 दिन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पे काम को खत्म करवाना है तो बचा काम आपको बचे हुए 13 दिन में खत्म करवा देना पड़ेगा। बात सिंपल है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 दिन के बाद पांच और आदमी काम पर लगा दिए गए, तो पांच और लगा दो तो कितने आदमी हो गए बोलो, 35 आदमी हो गए, ठीक है। कहता है जिसकी वजह से काम जो है एक दिन पहले ही खत्म हो गया। अरे बचा काम 13 दिन में होना चाहिए था, अगर एक दिन पहले मतलब कितने में हो गया है, 12 दिन में हो गया है, तो 35 आदमियों ने वो बचा काम कितने में कर दिया, 12 दिन में। तो 35 आदमियों ने बचा काम कितने में कर दिया, 12 दिन में कर दिया है, ध्यान सुनना। अब कंडीशन लगाता है, कहता है काम कितने दिन डिले होगा अगर वो पांच एक्स्ट्रा आदमी जो लगाए गए हैं वो ना लगाते तो, मत लगाओ भाई हटा दो, तो कितने आदमी हो जाएंगे, 30 आदमी, ठीक है। तो देखते हैं ये 30 आदमी कितने दिन में करेंगे, 35 ने तो बचा काम 12 में कर दिया था, 30 कितने में करेंगे, तो 30 जो है कितने में करेंगे, सॉल्व कर दो। तो 5 से हो गया 7, 5 से हो गया 6, 6 से काट दो 2, 7 दुनी कितना में करेंगे, 14 दिन में करेंगे। मतलब अगर वही 30 आदमी होते तो उस काम को 14 दिन में कर देते। एक बात बताओ, बचा काम होना चाहिए था 13 दिन में, होना चाहिए था 13 दिन में, होता कितने दिन में, 14 दिन में, तो एक दिन ज्यादा लगता, तो आप क्या कहेंगे, वन डे क्या हो जाता, डिले हो जाता, एक दिन देरी से काम होता। बचा हुआ काम होना चाहिए था 13 दिन में, होता 14 दिन में, तो एक दिन पक्का डिले हो जाता। सिंपल सी बात है, होना चाहिए 13 में, होता 14 में, तो एक दिन डिले हो जाता। अगर क्लियर है तो फटाफट यस सर लिख दो सभी लोग, अगर क्लियर है तो फटाफट यस सर लिखते जाइए। बात सबको क्लियर है, कंफर्म है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग पढ़ो पढ़ो बच्चों। वैसे क्लास बच्चों 2.5 घंटे की थी, बट 2.5 घंटे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं तो मैं आधे घंटे और पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जैसे ये पूरा टॉपिक हो जाए आप लोगों का, कुछ छूटे नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए फटाफट, क्वेश्चन पढ़ लिए फटाफट एक बार, फिर मैं समझाता हूं। 5 men और 6 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days। क्वेश्चन कहता है पांच आदमी या क्या बताओ, 6 औरतें, मतलब कोई भी काम करे, काम कितने दिन में हो जाएगा, 18 दिन में हो जाएगा। तो पूछा गया है कि 15 आदमी और 24 औरतें मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे, 15 आदमी और 24 औरतें मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले आपको समझाता हूं एक तरीका, फिर समझा दूंगा इसका शॉर्टकट, सुनो। पहले कहता है पांच आदमी हो या 6 औरतें हो, काम कितने दिन में होगा, 18 दिन में। इसका मैं कह सकता हूं कि पांच आदमी करेंगे तब भी 18 दिन लगेगा, 6 औरतें करेंगी तब भी 18 दिन लगेगा, इसे बोलते हैं बेसिक्स, ठीक है। अच्छा, बाद में पूछा गया 15 आदमी और 24 औरतें मिलकर वो काम कितने में करेंगे, ठीक है। तो इनमें से आप कुछ भी यूज कर लो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, आंसर वही आएगा, पांच आदमी करेंगे 18 दिन में,
तो पूछा गया 15 आदमी और क्या बताओ 24 औरतें मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है। चलो सॉल्व कर दो आराम से, ठीक है। ये 18-18 कट गया, ठीक है। यहां तुरंत निकाल दो M अपॉन W, मतलब एक आदमी एक औरत की एफिशिएंसी। तो M किससे गुणा है, 5 से, W गुणा है 6 से। तो M का मान 6 है, W का मान 5 है, पुट कर दो। M का मान अगर 6 है, 6 पंचे 30, तो 30 गुना कितना आ गया 18, ठीक है, बराबर। M का मान 6 है तो 15 छह कितना आ गया 90, और W का मान 5 है तो 24 पंचे क्या आ गया 120, और इंटू क्या बताओ D। तो 18 कितना आ गया 54, कितना आ गया 540, इनको जोड़ लो कितना आ गया है 210, बराबर क्या बताओ D, ठीक है। तो खत्म कर दो, 3 से काट दो कितना आ जाएगा 18 बटे क्या बताओ 7 दिन। तो ये क्या आ गया आपको बताओ डेज, ठीक है। ये हो गया आपका क्या बताओ बेसिक्स, ठीक है। फिर समझाता हूं आप लोगों को शॉर्टकट इसका कि क्या शॉर्टकट है। क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दो। 5 आदमी करते हैं 18 में, या 6 औरतें भी करती हैं 18 में, तो यहां से M अपॉन W आ गया। फिर इनमें से कोई भी कंडीशन यूज करके बाकी जो पूछा है निकाल दो, ठीक है। चलो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा सुनो, जब भी किसी क्वेश्चन में और दिया हो, क्या दिया हो और, दिस और दिस और दिस, और आपसे पूछा जाए डेज कितने दिन में काम होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना जो क्वेश्चन में डेज दिया है उसे लिख दो। जैसे यहां दिया गया था कितना बताओ 18 दिन, उस डेज को लिख दो, डिवाइड बाय क्या लिख दो M2 अपॉन M1, मतलब बाद में जितने आदमी थे और पहले जितने आदमी, डिवाइड कर दो। W2 डिवाइड W1, मतलब बाद में कितनी औरतें थी पहले कितनी थी, डिवाइड कर दो। C2 अपॉन C1, बाद में कितने बच्चे काम कर रहे थे पहले कितने के, डिवाइड कर दो। प्लस एंड सो ऑन, अगर और लोग भी हैं तो भी कर दो, ठीक है। चलिए तो सिंपल सा शॉर्टकट है इस टाइप के क्वेश्चन लगाने का, तो लगा देते हैं। हम लोग निकालना है कितने दिन में काम करेंगे, बट ये शॉर्टकट कब लगाओगे, जब आपको ये और दिया हो, या वाले क्वेश्चन दिस या दिस और दिस, ठीक है। तो डेज कितना है देखो 18, अब तुम मुझवानी कर सकते हो 18, बाद में कितने आदमी थे 15 और पहले कितने थे 5, तो 15 को 5 से भाग कर दो। बाद में कितनी औरतें थे 24, ठीक है, और यहां कितनी था 6, भाग कर दो, तो जाएगा 18 बटे 15 बटे 5 कितना आता है 3, यहां से कितना आता है 4, तो आंसर आ जाएगा 18 बटे कितना बताओ 7, क्या बताइए दिन। अगर क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दो, ठीक है। तो इस शॉर्टकट से भी आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। चलिए वैसे क्लास बच्चों 2.5 घंटे की थी, बट अभी टाइम पूरा हो गया है, बट कुछ क्वेश्चन बाकी हैं तो मैं पूरा करा देता हूँ, आधा घंटा और ले लेता हूँ क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिससे आपका एक वीडियो पूरा हो जाए, जिससे आप क्वेश्चंस कहीं से प्रैक्टिस करें तो आपको दिक्कत ना आए, एटलीस्ट हर टाइप क्वेश्चन आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्या बताओ और वाला है, देखो दिस और दिस और दिस, ठीक है। तो आपको समझा देता हूँ जल्दी से, आप वीडियो पॉज करके बाद में ट्राई भी कर सकते हो, फिर आंसर देख सकते हो, ठीक है। और कितने में करते हैं 121, बताता हूँ फटाक से मैं, क्या लिखोगे 121 डिवाइड बाई, बाद में कितने आदमी है एक आदमी एक औरत एक बच्चा, तो एक आदमी एक औरत एक बच्चा, और पहले क्या थे 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। ये क्या हो गया आपका डेज, ठीक है, सॉल्व कर दो। तो ये क्या हो गया 121 डिवाइड बाई, एलसीएम कितना आ गया 6, 1 से 6, 2 से 3, 3 से 2, रिवर्स कर दो तो 121 इंटू 6, 6 3 9 2 11, 11 काट दो 11 बार, 11 6 जा क्या आ जाएगा 66 डेज, ठीक है। शुभम सिंह बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, कर लोगे जल्दी करो फटाक से, दिस और दिस और दिस, ठीक है, 64 डेज में करते हैं ये पूछा गया है। क्या लिखोगे 64 डिवाइड बाई, बाद में कितने 1 2 2, तो 1 2 2, ठीक है, यहां 1 2 3 है, 1 2 3, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 64 डिवाइड बाई एलसीएम कितना आएगा बताओ, यहां से 6, तो 1 से 6 हो गया, 2 से 3, 3 दूनी 6 हो गया, 3 से 2, 2 दूनी 4 हो गया, तो 64 इंटू रिवर्स करो तो 6 आ गया, 6 6 12 4 16,
16 से हो गया 4, 6 गुना 4 कितना आ गया 24 दिन। क्लियर है सबको? ठीक है, ये शॉर्टकट से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मतलब लगभग उसी टाइप का है, और वाला नहीं है। एक बार पढ़ लो पहले, फिर समझाता हूं। हर टाइप क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर बाद में वीडियो बार बार देख के आराम से आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। एक ही वीडियो में सारे टाइप कवर कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, अगर इसको आप आराम से देख लोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओगे। पढ़ो, क्वेश्चन है, टू मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 डेज, दो आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। थ्री वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 डेज, 3 औरतें उसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं। तो पूछा गया है 4 आदमी और 10 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगे। अभी मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक्स, क्या पढ़ाया था बेसिक, कैसे करोगे। देखो, दो आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, दो आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो लिख देता हूं यहां पर, कहता हूं ठीक है कि दो आदमी जो है वो किसी काम को 3 लगा दो, बेसिक अपना 3 दिन में करते हैं, 3 औरतें उसी काम को 5 दिन में करती हैं। अच्छा, इन सब क्वेश्चन लगाने के बहुत तरीके हैं, 4-5 तरीके हैं, मैं सब कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप सिंपल समझो, एक तरीका आसान सा। ठीक भाई, लगाने तो बहुत तरीके हैं, ठीक है, कभी लूंगा लंबी क्लास 6-7 घंटे की, तो वहाँ सारे तरीके समझा दूंगा। ठीक है, चलो, तो दो आदमी करते हैं कितने बताओ 3 दिन में, ये तो लिखा हुआ है 2-3 दिन में। क्या पूछा गया बाद में, 4 आदमी और 10 औरतें मिलकर कितने में करेंगे, तो 4 आदमी 10 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये निकालना है आपको। चलो सॉल्व कर देते हैं, तो 2 × 3 क्या आ गया 6m, और 5 दिया क्या आ गया 15w, तो यहां से आप निकाल लो m अपॉन w, m किससे गुणा है 6 से, और w किससे होता है 15 से, 3 से 5 बार, 3 से 2 बार, तो m का मान 5 है, w का मान 2 है, सही है। अच्छा, m का मान 5 है, w का मान 2 है, पुट कर दो, m का मान 5, 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30, तो यहाँ 30 आ गया। m का मान 5 है, 5 × 4 कितना आ गया 20, w का मान 2 है, 10 × 2 = 20 इंटू क्या बताओ d, तो ये हो जाएगा 30/20 + 20 कितना आ गया 40, ये आ गया आपका d, तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ से आ गया सिंपल सा 3/4, क्या बताओ d। सबको क्लियर है, एकदम बेसिक फॉर्म में आप सॉल्व कर सकते हो, ये इतने में, ये इतने में, तो ये इतने में, तो ये कितने में, सिंपल सॉल्व कर दो। ठीक है, M1D1 = M2D2 लगाते जाओ, अगर क्लियर है तो फटाफट यस सर भी लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन पढ़ो सब लोग फटाफट, अगला क्वेश्चन लगभग उसी टाइप का है, पढ़िए और बताइए। अगला क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, दो आदमी और 3 औरतें मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, जबकि 3 आदमी और 2 औरतें मिलकर उसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो पूछा गया है 2 आदमी और 1 औरत मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे, 2 आदमी 1 औरत मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे। सेम अप्रोच लगाएंगे हम लोग, जो समझाया हूँ बेसिक, हर जगह वही लगा रहे हैं। क्या लिखोगे, 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर, ठीक है, वो काम कितने में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। 3 आदमी और 2 औरतें, 3 आदमी और 2 औरतें मिलकर वो काम कितने में करते हैं, बताओ 8 दिन में करते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि 2 आदमी 1 औरत मिलकर वो काम कितने में करेंगे, तो लिख दो आराम से यहाँ पर कि 2 आदमी और क्या बताओ 3 औरतें, 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर वो काम कितने में करते हैं, 10 दिन में। पूछा गया है 2 आदमी 1 औरत मिलकर कितने में करेंगे, तो 2 आदमी और 1 औरत मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे, सिंपल है। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 2 = क्या आ गया 20m, और 10 × 3 = कितना आ गया 30w। ठीक है, 8 × 3 = क्या बताओ 24m, 8 × 2 = क्या आ गया 16w, सही है। चलो तो सॉल्व कर दो, 24 − 20m क्या आ जाएगा 4m, यहां से घटा दो क्या आ जाएगा 14w, 2 से कट कर दो क्या आ जाएगा 7w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ 2m, 7w इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ 2m आ गया, क्लियर है, 7w इक्वल टू 2m, तो यहां से आप m अपॉन w निकाल लो। ठीक है, तो m किससे गुणा है 2 से, w किससे गुणा है 7 से,
एम गुना है दो से, डब्ल्यू गुना है सात से, तो एम का मान सात है, डब्ल्यू का मान दो है, लगा दो यहाँ पे आराम से, ठीक है। चलो 2m प्लस 3w इंटू 10 है, m का मान 7 है तो 7 दूनी 14, w का मान 2 है 3 दूनी 6, ठीक है, और गुना क्या बताओ 10, m का मान 7 है 7 दूनी 14, w का मान 2 है तो यहाँ 2 लिख दो, इंटू क्या आ जाएगा d, 14 और 6 20 गुना 10 कितना हो गया 200 बराबर 14 दो क्या बताओ 16d, सिंपल है, सॉल्व कर दो, यहाँ पे 14 दो कितना आ जाएगा 16, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। चलो कितना आ गया 16, 8 से कट कर दो तो 8 से 25 है, 8 से 2 है तो 25 बाई 2 क्या आ जाएगा 12.5 दिन, नोट कर लो फटाक से, मतलब ये लोग काम जो है कितने में करेंगे दो आदमी एक औरत मिलकर 12.5 दिन में, शुभम वेरी गुड वेरी गुड। तो सिंपल इक्वेशन बना के आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, दिस इंटू दिस, यहां से एम अपॉन डब्ल्यू आ गया, पुट कर दो, कहानी खत्म हो गई। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए सभी लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिए, क्वेश्चन कहता है तीन आदमी और चार औरतें मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, चार आदमी और तीन औरतें मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, तो पूछा गया 12 आदमी और 82 औरतें मिलकर वो काम कितने में करेंगे, एक बार लिख देता हूं, तीन आदमी और चार औरतें, एक मिनट, तीन आदमी और चार औरतें, ठीक है बच्चों, ये काम कितने में करते हैं बताओ 16 दिन में करते हैं, कितने में करते हैं 16 दिन में, ठीक है, चार आदमी और तीन औरतें, तो चार आदमी और क्या बताओ तीन औरतें, ठीक है, वो मिलके काम कितने में करते हैं बताओ 12 दिन में करते हैं, कितने में करते हैं 12 दिन में, पूछा गया 12 आदमी और 82 औरतें मिलकर कितने में करेंगे, एक बार लिख देता हूं यहां पर, तीन आदमी और चार औरतें मिलकर कितने में करते हैं 16 दिन में, तो पूछा गया है 12 आदमी और क्या बताओ 82 औरतें मिलकर, ठीक है, कितने में करेंगे, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं, ध्यान सुनना एकदम, चलो 16 तीन 48 तो 48m, 12 सॉरी 16 चौक 64 64w, 12 चौक 48 48m और 12 तिया कितना बताओ 36w, ये कट गया पूरा पूरा, ठीक है, घटा दो तो 28w बराबर सब कुछ कट चुका है तो जीरो, तो W क्या होगा 0 अपॉन 28 कितना हो गया 0, तो यहां से ये समझ में आ गया कि W का मान क्या बताओ 0 है, W का मान क्या बताओ यहां पर 0 है, अच्छा अगर W का मान 0 तो ये खत्म, W का मान 0 खत्म हो गया, W मान 0 खत्म, तो क्या हो गया 16 तिया 48 48m, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 12m और गुना क्या बताओ D, तो 12 का काट कितने बार जाएगा 4 बार, तो डेज कितने आ जाएंगे बताओ 4 डेज, ठीक है, सबको क्लियर है, अगर W 0 है तो यहां खत्म हो गया 0 मल्टीप्लाई करते ही, क्वेश्चन हो गया तीन आदमी करते हैं 16 दिन में तो 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, ठीक है, चलिए आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक बार सब लोग पढ़ लो, 30 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ए एंड बी अंडरटेक टू डू अ वर्क फॉर रुपीज 56, लगभग उन्होंने 50 क्वेश्चन आज किए हैं टोटल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए एंड बी अंडरटेक टू डू अ वर्क फॉर रुपीज 56, ठीक है, ए और बी ने 56 रुपए में कोई काम करने का ठेका लिया या वादा किया, ए उस काम को 7 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 8 दिन में कर सकता है अकेले अकेले, कहता है एक लड़के की मदद से वो उस काम को 3 दिन में कर देते हैं, तो पूछा गया उस लड़के को कितना पैसा मिला होगा, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक सुनो, ए जो है उस काम को 7 दिन में कर सकता है, ठीक है भाई, ए उस काम को 7 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 8 दिन में कर सकता है, तो काम कितना मान लेते हैं 56, 7 8 जा 56,
सात से भाग करो आठ, आठ से भाग करो सात, ये क्या हो गया एफिशिएंसी और ये हो गया आपका वर्क। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ो। इफ विद द असिस्टेंस ऑफ अ बॉय दे फिनिश द वर्क इन थ्री डेज, ठीक है, ध्यान रखना। कहता है किसी लड़के की मदद से वो किसी काम को तीन दिन में कर देते हैं, तो आप क्या लिखोगे? देखो हो गया ए बी और क्या बताओ बॉय, ये तीनों लोग मिलकर वो काम कितने दिन में कर देते हैं? तीन दिन में कर देते हैं, ध्यान सुनना, वो काम तीन दिन में कर देते हैं। ठीक है, तो पूछा गया लड़के को कितना पैसा मिला होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये तीनों मिलकर तीन दिन में काम किए हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि तीनों दिन मतलब तीन दिन सभी लोग काम करने आए थे, ए भी आया था, बी भी आया था, बॉय भी आया था, एकदम बच्चों वाली बात है। सुनो, अगर तीन दिन ए काम करने आया था तो ए ने कितना काम किया होगा? ए पर डे कितना काम करता है? आठ, तो तीन दिन में आठ तिया चौबीस काम किया होगा, पक्का? ठीक है, बी भी तीन दिन आया था तो बी कितना काम किया होगा? पर डे करता है सात काम, तीन दिन में सात तिया इक्कीस काम, तो जोड़ लो चौबीस और इक्कीस कितना हो गया? पैतालीस काम। ठीक है, पैतालीस काम हटा दो यहां से, कितना बचा है? ग्यारह काम बचा है, कितना बचा है? ग्यारह काम। ठीक है, इसका मतलब उस लड़के ने कितना काम किया है? ग्यारह काम किया है। बोलो हाँ ना, अब बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। देखो उस लड़के ने ग्यारह काम किया है, तो हमेशा ध्यान रखोगे जितना काम करोगे उसका ही पैसा मिलेगा। अच्छा बताओ पूरा काम कितना है? 56 वर्क, तो 56 वर्क मतलब पूरा काम करने का कितना पैसा मिलता? 56 रुपीज, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर 56 वर्क का 56 मिलता है तो वन वर्क का क्या मिलेगा? वन रुपए। और वन वर्क का अगर वन रुपए मिलेगा तो उस लड़के ने कितना किया? 11 काम, तो 11 काम का कितना मिलेगा बताओ? हो जाएगा 11 रुपए। ठीक है, तो हो गया आपका आंसर कितना बताओ? 11 रुपीज। सबको बात समझ में आ रही है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पढ़िए और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो फटाफट। ठीक है, और फिर आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से लगाओ, इस वीडियो को देखने के बाद आराम से आप लगा लोगे। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखिए, शेयर कर दिए सबके पास, सब लोग पढ़िए सीखिए इससे, इसलिए मैंने पूरा टॉपिक जो है इसके अंदर डाल दिया है, टाइम एंड वर्क, हर टाइप क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएगा, कंसेप्ट सीखिए फिर प्रैक्टिस कीजिए जहां से मन करे आपको। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फोर मैन एंड सिक्स वीमेन गेट रूपीज 1600 By doing a piece of work in 5 days। देखो इधर चार आदमी और छह औरतें मिलकर, ठीक है, किसी काम को कितने दिन में करते हैं? पांच दिन में। ठीक है, और पैसा कितना मिलता है? 1600। पढ़ाया था ना M1 D1 डिवाइड बाई R1, R मतलब रुपए, तो रुपए नीचे आ गए। ठीक है, तीन आदमी और सात औरतें, तो तीन आदमी और सात औरतें, ठीक है, कितना पाते हैं? 1740। कितना पाते हैं? 1740। कितने दिन काम करके बताओ? छह दिन काम करके, सही है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे करोगे, क्या करोगे। ठीक है, अब इनमें से कोई कंडीशन यूज कर लो, तो लिख देते हैं 4m प्लस 6w और इनटू क्या बताओ? 5 और डिवाइड बाई कितना? 1600 लिख दिया। ठीक है, अब जो पूछा गया वो देख लो, सात आदमी और छह औरतें, ठीक है, तो क्या लिखोगे? सात आदमी और छह औरतें। ठीक है, काम कितने दिन में करेंगे और पैसा कितना मिलेगा बताओ? 3760। तो क्या करोगे, यहां से सिंप्लीफाई करके आपको M और W का मान मिल जाएगा, उसको यहां पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो कैसे करोगे, चलो अंकुश बेटा क्वेश्चन अगर हिंदी में आएगा तो लिखने की यहां जगह नहीं बचती है, ध्यान रखिए। ठीक है, इसलिए हिंदी में ला नहीं पाता हूं मैं, जगह नहीं बचती है, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना ये, जैसे नंबर सिस्टम है छोटे मोटे हैं तो वहां आराम से लिख दो, बट इनमें जगह नहीं बचती आपको समझाने भर की, फिर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा सही से, हौच पौच हो जाएगा पूरा। ठीक है, बाकी मैं हिंदी में बोलता जाता हूं उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश पे भी ध्यान दो सभी लोग,
क्योंकि एसएससी की तैयारी कर रहे हो, 250 नंबर की इंग्लिश भी आएगी, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, वरना 250 नंबर की इंग्लिश कैसे करोगे। चलो देखो, ठीक है, तो 5 से कट कर दिया, ठीक है, 5 से कट कर दिया, कितना बताओ 320, ठीक है, 6 से कर दो यहाँ पर, तो 6 × 12, ठीक है, 6 × 12 कितना हो गया बताओ, 5, 54, 6 कितना हो जाएगा 9, 290, ठीक है, कट कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो 29 × 4, तो 29 × 58, 58 × 116, तो ये क्या आ जाएगा 116 m, 29 × 6, तो 6 × 12, 6 × 54, 174, 174 क्या हो गया बताओ, w इज इक्वल्स टू 32 × 96, 96 m, और 7 × 14 का 4 हाथ है 1, 7 × 21, 1, 22, 224 w, घटा दो 116 माइनस 96 क्या आ जाएगा 20 m, यहां घटा दो क्या आ जाएगा 50 w, तो यहां से आप m अपॉन w निकाल लो, ये जीरो कट ही जाएगा, ठीक है, तो m गुणा है 2 से, w गुणा है 5 से, तो m का मान 5, w का मान 2। अब सुनो, अगर m का मान 5 है और w का मान 2 है, m का मान 5 है, w का मान 2 है, तो m का मान 5, 4 × 5 = 20, w का मान 2, 6 × 12, ठीक है, और इंटू क्या आया 5, और बटे कितना आ गया 1600, ठीक है। चलो, m का मान 5 है, 7 × 5 = 35, w का मान 2 है, 6 × 12, ठीक है, इंटू क्या बताओ d, और डिवाइड बाई कितना आ गया 3760, तो 20 और 12 कितना हो गया 32, और गुना 5 कितना हो गया 160, तो 160 से कट कर दो 10 बार गया, 10 से कट दो इतना, तो यहां खत्म हो गया सब कुछ, ठीक है, तो यहां मान लो 1 आ गया, 1 इक्वल टू 35, 12 कितना हो गया 47, कट कर दो 8 बार जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ गया डी बाई 8, यहां से आ गया 8। अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत बार मेंस वगैरह में आता रहता है क्वेश्चन, तो कितने दिन में करेंगे 8 दिन में, बाकी इसको आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, बड़े अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मेंस वगैरह में आता रहता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो सेशन कैसा लगा सबको, फटाफट कमेंट कर दो, पूरा टॉपिक आपका हो चुका है टाइम एंड वर्क, इसके अंदर आराम से आप इसको बार बार देखिए, और कोई भी बुक से क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सबको इन्फॉर्म कर दूं, अगर आप अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं, प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, तो आप 150 डे का बच्चों आप सभी के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, 150 डे का फाउंडेशन बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, 2020 के लिए सीजीएल, जिनको ज्वाइन करना हो अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक कोड दिया गया है RAN लाइव, तो नीचे आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा, इस कोड को जब यूज करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे सब्सक्रिप्शन लेना कहाँ है, तो आप या तो अनअकैडमी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, या अनअकैडमी का ऐप आता है, अगर आपके पास इंस्टॉल है तो इंस्टॉल कर लीजिए, वहां ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, उसमें आप इस कोड को पूछेगा प्रोमो कोड, इस कोड को यूज करेंगे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेकर आराम से तैयारी कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन का मतलब उसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब कुछ कवर्ड है, सभी टॉप फैकल्टीज के बैच आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आपने मेरा कोड यूज किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे ही पढ़ोगे, जितनी भी टॉप फैकल्टीज पढ़ा रही हैं आपकी, सभी सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की आपको कम से कम 10-10, 12-12 फैकल्टी मिल जाएंगे, कई बैचे चल रहे हैं, आप किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं, सभी टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फायदेमंद चीज है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन जल्दी जल्दी लें, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ये मेरा कोड है RAN लाइव, जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बच्चों, एकेडमी का नारा है लेट्स क्रैक इट, आप सबके सामने तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम को क्रैक करना ही करना है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको अगर और चैप्टर पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ना है, पूरा एडवांस पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, तो सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए अनअकैडमी का कोड यूज करके, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।